स्टार्ट करते हैं भाई क्लास को स्वागत है आप सभी लोगों का अन अकेडमी के लेट्स क्रैक यू पी एस सी, हिंदी के यूट्यूब चैनल में इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे हैं और मध्यकालीन भारत के इतिहास में कल की क्लास में हम लोगों ने बाबर और हुमायूं का इतिहास पढ़ा था इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आज की क्लास में हम लोग अकबर का इतिहास पढ़ेंगे तो तैयार हो जाइए अकबर महान का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में और क्लास को शेयर भी कर सकते हैं आप लोग अपने साथियों के बीच में अपने ग्रुप्स वगैरह में अपने दोस्तों के बीच में तो चलिए शुरुआत करते हैं देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन का प्लेटफार्म और यहाँ पे जो देश के प्रसिद्ध एजुकेटर हैं लगातार आप सभी लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं इसमें निरंतर मैं भी आप लोगों के सामने हूँ आप लोगों के बीच में हूँ इसके अलावा यहाँ पे मुख्य जो बात है वो ये है कि इस समय यहाँ पे अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है सब्सक्रिप्शंस लेना चाहता है तो इसमें कम्बो जो सब्सक्रिप्शंस होता है प्लस कोर्स में उसमें एक्सटेंशन का बीक चल रहा है इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि संस्थान में अगर आप लोग एक साल के फाउंडेशन कोर्स में या डेढ़ साल के फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो थ्री मंथ की एक्स्ट्रा वेलिडिटी आपको मिल रही है ठीक है और अगर दो साल के या तीन साल के कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको सिक्स मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है जैसे दो साल में आप लोग जानते ही हैं कि चौबीस महीने होते हैं तो सिक्स मंथ का आपका एक्स्ट्रा कोर्स हो जाएगा मतलब तीस महीने का आपका कोर्स हो जाएगा और ये आपके लिए बेहद उपयोगी है ग्यारह तारीख तक इसमें ये ऑफर चल रहा है ग्यारह मई तक ये ऑफर चल रहा है इसमें एडमिशन लेने से पूर्व आप लोग हमारा रेफरल कोड का प्रयोग कीजिए हमारा रेफरल कोड आपके सामने ऐसे एन जे डबल ई भी है इसका प्रयोग करने से यहाँ पर फीस में आपको टेन परसेंट का प्रॉपर छूट मिलता है और हमारे गाइडेंस में आ जाते हैं संस्थान में जो भी आपको प्रॉब्लम होती है या एडमिशन लेने से पूर्व अगर कुछ समझना चाहते हैं देन आप सीधे मुझसे बात कर सकते हैं ये हमारा रेफरल कोड है इसके अलावा यहाँ पे कम्बो सब्सक्रिप्स का जो बीक है इसमें एक साल का कोर्स है डेढ़ साल का कोर्स है दो साल और तीन साल का कोर्स है यहाँ पे सबके प्राइस मेंशन है और ये एक्स्ट्रा वैलिडिटी का यहाँ पे मेंशन है इसमें हमारा रेफरल कोड मेंशन करना होता है हमारा रेफरल कोड आपके सामने एस एन जे डबल ई बी है इसका प्रयोग कीजिए और इस फीस में आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट मिलता है और आप पर हमारा गाइडेंस मिलता है इसी में आप सभी लोगों को यूपीएससी प्री का पूरा सिलेबस पढ़ाया जाता है इस कोर्स में यू पी एस का पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाता है इसके अलावा एक सब्जेक्ट भी आपको पढ़ाया जाता है इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट्स भी दिया जाता है आपके घर पे नोट्स संस्थान आपको सेंड करता है इसके अलावा इसी में टेस्ट सीरीज भी आपको मिलती है ध्यान रखना आप सभी लोग इसी में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है तो ये फाउंडेशन बैच है संस्थान का वन ईयर का बैच है और वन एंड हाफ ईयर यानी डेढ़ साल का बैच है टू ईयर का बैच है और थ्री ईयर का बैच है कोर्स है फाउंडेशन कोर्स है कंप्लीट कोर्स है ये यहाँ पे एडमिशन आप लोग ले सकते हैं हाँ आठ तारीख को आप लोगों के बीच में यहाँ पे सुबह ग्यारह बजे ये साठ क्वेश्चन से संबंधित है चौवन क्वेश्चन से संबंधित है साठ मिनट का ये कॉम्बैट टेस्ट होने जा रहा है स्कॉलरशिप टेस्ट है इसमें आप लोग भागीदारी कीजिए पी वाई क्यू इस बार इसमें पूछा जाएगा हमारा रेफरल कोड आपके सामने एस एन जे डबल ई बी है इसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवा के भागीदारी कीजिए सबके लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और सब लोग यहाँ पे आप लोग भागीदारी कर सकते हैं यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए अन एकेडमी में लाइट के नाम से आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी यह टेस्ट सीरीज आपको सिक्स मंथ की मिलेगी आपको वन ईयर की टेस्ट सीरीज यहाँ पे मिलेगी इसमें एडमिशन ले सकते हैं यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा से प्रश्न टेस्ट सीरीज है ये संबंधित इसमें भी एडमिशन लेने के पूर्व हमारा रेफरल कोड आपके सामने इसका प्रयोग कीजिए इसमें भी आपको फीस में टेन का डिस्काउंट मिलता है टेन परसेंट का डिस्काउंट इसमें भी टेस्ट सीरीज में भी मिलता है जीएस और सी साइड की टेस्ट सीरीज है मार्क इंटरव्यू में भागीदारी कर सकता है कोई भी व्यक्ति और इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों के बीच में एक तरीके से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है पर्सनल कोच मिलता है मेंटरशिप प्रोग्राम होता है यहाँ पे और यहाँ पे प्रैक्टिस करने को बाकायदा आपको मिलता है प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित और मुख्य परीक्षा यानी आंसर राइटिंग भी करने को मिलता है ये स्टडी प्लानर भी यहाँ पे होता है और ओपन हाउस सभी एजुकेटर के साथ में आप लोगों को मिलता है तो इसके अलावा यहाँ पे एक तरीके से कोई भी व्यक्ति संस्थान में लोन के द्वारा भी एडमिशन ले सकता है लोन का संस्थान कोई चार्ज नहीं लेता है आपसे लोन में खास बात ये होती है कि इकट्ठे फीस आपको नहीं जमा करना पड़ता प्रति महीने किस्तों के माध्यम से फीस जमा करके आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं थोड़ा पेपर वर्क भी आपको करना पड़ता है और लोन को अप्रूवल होने में थोड़ा समय लगता है ग्यारह मई तक ये ऑफर आप लोगों के बीच में है सिक्स में यानी आज से आपका न्यू बैच भी संस्थान में स्टार्ट हो चुका है ये स्टार्स हैं संस्थान के बारे में और खास बातें भी हैं हम लोग क्या पढ़ेंगे हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे मुगल शासक अकबर को पढ़े ठीक है मुगल बंस के सबसे महत्वपूर्ण शासक को पढ़े अकबर को पढ़े तैयार हम्म लोग कौन कौन है भाई हम्म सामने आ जाइए सभी लोग बादल शर्मा दिखाई पड़े क्षत्रिय सुमित हैं, रानी नाम से हैं, रंजेश बाबू हैं रोमियो आप रोमियो ओके 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 ठीक है विश्वजीत उर्मिला दिव्या उमा शंकर संजय एंड धर्मेश सिंह सिंह करके हैं एक लोग मिस्टर नरेंद्र हैं और कौन कौन है भाई जल्दी से अपना नाम बताइए उपस्थिति दर्ज कराइए हाजिरी दीजिए फटाफट अरुण है मिस्टर विजय सानू एंड मनीष और कौन है राजपूत बीपी सिंह किधर हैं भाई पीछे बैठे हैं अच्छा रोहित भी हैं ओके ओके आर्टिकल तीन सौ सत्तर ओहो ये कौन आ गया भाई हुँ? शबा शाहिबा हैं मिस्टर मनीष हैं शांतू शाहू प्रीति हैं वसीम बिट्टू हैं रोशन दिखाई पड़ रहे हैं मांडवी राजावत धीरज राखी अंकित विश्वकर्मा ओके ओके वेरी गुड क्लास को शेयर कर लीजिए भाई अपने साथियों के बीच में फटाफट आप सभी लोग क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर लीजिए आज अकबर महान के इतिहास को हम लोग पढ़ रहे हैं और सेशन को लाइक भी करते चलिए फटाफट अच्छा, अच्छा अच्छा और भी कुछ लोग हैं सबका नाम नहीं लिया जा सकता प्रिंसी हैं नरेंद्र है मिस्टर अनिल हैं सैंडी नाम से हैं और गौतम हैं चंदन कुमार दिखाई पड़ रहे हैं चंदन कुमार अकबर महान को हम लोग आज पढ़ेंगे ठीक है अकबर महान को हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और इस तरीके से पढ़ेंगे कि कुछ भी आपका छूटे ना ठीक है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर आपके सामने है ठीक है अकबर का जो टाइम पीरियड है भारत में शासन करने का या मध्यकालीन भारत में शासन करने का वो शुरू कब से होता है वो 1556 से शुरू होता है और 1605 में इसका शासनकाल समाप्त हो जाता है लेकिन बात आती है कि अकबर कौन था इसके पिता का नाम क्या था माता का नाम क्या था जन्म कहाँ हुआ किस कंडीशन में इसका जन्म हुआ और ये मुगल काल का शासक कैसे बना और जब शासक बन गया तो इसने एक तरीके से स्टार्टिंग में कैसे साम्राज्य को संभाला कैसे कैसे इसको चैलेंज का सामना करना पड़ा जब इस चैलेंज से उभरा तो किस प्रकार की नीतियों का इसने विकास किया आर्थिक क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र में राजनीतिक क्षेत्र में प्रशासनिक क्षेत्र में और उसका प्रभाव मुगल साम्राज्य के ऊपर क्या पड़ा उसका प्रभाव मुगल साम्राज्य के ऊपर क्या पड़ा और कैसे ये सबसे महानतम शासक बन गया मुगल काल में कैसे ये महानतम शासक बन गया इसकी महानता का रहस्य क्या था इसको भी हम लोग आज की क्लास में देखेंगे तैयार हो जाइए इसका मूल नाम क्या है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है। जैसे आप लोगों ने देखा कि बाबर का मूल नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है है ना जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है जहांगीर का मूल नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर है उसी तरीके से यहाँ पे अकबर का मूल नाम क्या है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है। इसका मूल नाम है सूची के रूप में जो मुगल शासक हैं, उनका नाम एक तरफ देता है और उनका मूल नाम एक तरफ देता है और आपसे मिलाने के लिए बोलता है जोड़ा मिलाने के लिए युग्म की बात कर रहा हूं तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इसका मेन नाम है ठीक है इसको आप लोग याद रखिएगा इसकी उपाधि क्या है अर्श आसियानी है और अर्श आसियानी की उपाधि इसको किसने प्रदान किया है अर्श आसियानी की उपाधि इसको जहांगीर ने प्रदान किया है तो भारत में दो ही मुग़ल बादशाह हैं अगर आप लोग देखेंगे तो दो मुग़ल बादशाहों में से मैं आपको बता देता हूं कि वो कौन कौन से दो मुग़ल बादशाह हैं जिनकी कुछ खास बातें आपको दिखाई पड़ेंगी तो भारत में दो मुग़ल बादशाह आपको दिखाई पड़ेंगे तो मुगल बादशाह इसको लिख लीजिएगा आप सभी लोग दो मुगल बादशाह आपको दिखाई पड़ेंगे ये समान हैं विशेष हैं अलग हैं एक का नाम है बाबर एक का नाम है बाबर और एक का नाम है जहांगीर ठीक है एक का नाम है जहांगीर ये दोनों मुगल बादशाह ऐसे मुगल बादशाह हैं कि टोटल जितने भी मुगल बादशाह हुए उनमें से इन्हीं दोनों मुगल बादशाहों ने अपना एक तरीके से आत्मकथा लिखा हुआ है आत्मसंस्मरण लिखा हुआ है बाबर ने जो अपना आत्मकथा लिखा हुआ है वो बाबर नामा नाम से लिखा हुआ है ठीक है बाबर नामा नाम से लिखा हुआ है इस बाबरनामा को कल की क्लास में हमने आपको पढ़ाया है बाबरनामा को बाबर ने मूलतः तुर्की भाषा में लिखा है और इसका कालांतर में आप लोगों ने देखा कि पायंद खान ने पहली बार फारसी भाषा में अनुवाद किया हुमायूं खान के समय में फिर अब्दुल रहीम खान खाना ने अकबर के समय में फारसी भाषा में अनुवाद किया फिर अंग्रेजी भाषा में भी अनुवाद होने लगा फारसी से अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था ठीक इसके अलावा इसमें आप लोग जानते ही हैं कि किस प्रकार से बाबर नामा के लिए प्रसिद्ध है बाबर और इसके अलावा आप लोग देखेंगे तो ये जो जहांगीर है इसकी भी आत्मकथा है इसकी आत्मकथा का नाम है तुजुक ए तुजुक ए जहांगीर तुजुक ए जहांगीरी ये किसकी आत्मकथा है ये जहांगीर की आत्मकथा है अब जहांगीर ने इसको किस लैंग्वेज में लिखा था इसको पर्सियन लैंग्वेज में लिखा था पर्सियन लैंग्वेज का मतलब इसको फारसी भाषा में जहांगीर ने लिखा था ठीक है अब अगर आप लोग देखेंगे तो इसी आत्मकथा में अपने पिता अकबर के लिए किसके लिए अपने पिता अकबर के लिए इस जहांगीर ने क्या कहा है कहा है कि हमारा पिता अकबर तो जन्नत में रहता है कहाँ रहता है हमारा पिता अकबर तो जन्नत में रहता है जन्नत का मतलब हमारा पिता तो अर्श आसियानी है हमारा पिता तो क्या है अर्श आसियानी है यानी जन्नत में रहने वाला है अर्श आसियानी का मतलब क्या हुआ जन्नत में रहने वाला है तो जहांगीर कहता है अपने पिता के बारे में यानी अकबर के बारे में कि हमारा पिता तो अर्श आसियानी है वैसे मैं, मैं एक बात आपको बता दूं कि जब अकबर का ब्याह हुआ जोधाबाई से जोधाबाई उर्फ हरखाबाई से एक कछवाहा राजा भारमल की पुत्री हैं जो आमिर राजवंश की राजकुमारी के रूप में भगवान दास की बहन है भगवान दास की क्या है बहन है तो बड़े दिनों तक इनको एक तरीके से अकबर को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई थी लेकिन अकबर पैदल जाया करता था शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पे जो फतेहपुर सीकरी आगरा के पास में स्थित है तो काफी मन्नतों के बाद इस जहांगीर का जन्म हुआ था और जहांगीर का जन्म बड़े प्यार से अकबर ने सलीम रखा था क्या रखा था सलीम इसका नाम रखा था लेकिन एक समय ऐसा आया कि पुत्र ही पिता के लिए घातक बन गया और इस जहांगीर ने अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और अकबर के खिलाफ विद्रोह करके जाके इलाहाबाद में बैठ गया था लेकिन कहते हैं कि मरने के बाद में असलियत का पता चलता है जब अकबर की एक तरीके से डेथ हो गई सोलह सो ईस्वी में तो अपनी आत्मकथा लिखता है और आत्मकथा में कहता है कि हमारा पिता तो आरस आसियानी है यानी जन्नत में रहता है ठीक ध्यान रखिएगा आप सभी लोग इसको यही बात मैं आपको बता रहा था अर्श है, जहांगीर ने यह उपाधि अकबर को प्रदान की है एक मुगल इतिहासकार है और विदेशी इतिहासकार है इसका नाम है एलिस्टन एलिफेस्टन ने इसे मध्यकालीन भारतीय भारतीय इतिहास का राष्ट्रीय शासक का है वैसे राष्ट्र की जो कल्पना आती है एक तरीके से या राष्ट्रीय भारत की जो कल्पना आती है या एक तरीके से सिद्धांत आता है मूलता है यह आधुनिक भारत की बात है लेकिन फिर भी अगर आप लोग देखेंगे कि एक जो भाव दिखाई पड़ता है वो बादशाह अकबर के बारे में दिखाई पड़ता है कि अकबर एक राष्ट्रीय शासक था क्यों राष्ट्रीय शासक था चाहे इसकी राजपूत नीति उठा के देख लीजिए या दक्कन नीति उठा के देख लीजिए या धार्मिक नीति या प्रशासनिक नीति जैसे प्रशासनिक नीति में मनसबदारी व्यवस्था मुख्य है ठीक अब मनसबदारी व्यवस्था में इसके पूर्व आप लोग देखेंगे तो कई शासक ऐसे हैं जो वंशानुगतता के आधार पर प्रशासन में अपॉइंटमेंट देते हैं लेकिन अकबर ने क्या किया अकबर ने एक तरीके से वंशानुगत आधार पर प्रशासन में अपॉइंटमेंट नहीं दिया फिर योग्यता के आधार पर दिया योग्यता के आधार पर दिया यूपीएससी दक्कन की जो नीति है वो सीमित विस्तार की नीति है वो बिल्कुल आक्रमणकारी नीति है राजपूतों के साथ जो संबंध बनाया इसने उससे दोनों को फायदा हुआ ऐसा नहीं कि केवल अकबर को ही फायदा हुआ राजपूतों को भी फायदा हुआ उनको भी प्रशासन में नियुक्ति मिली और कई राज्यों के राज्यपाल भी बने राजपूत शासक तो इसीलिए कह सकते हैं कि एक तरीके से जो थोड़ा भाव दिखता है राष्ट्रीय शासक का वो अकबर में दिखता है और यह बात कौन कहता है यह बात एलिफिस्टन कहता है विदेशी इतिहासकार कहता है ठीक अकबर का जन्म कब हुआ था 15 अक्टूबर 1542 सो ईस्वी को अकबर का जन्म हुआ था अकबर का जन्म हुआ था कब 15 अक्टूबर 1542 को कल हमने जन्म की कंडीशन हुमायूं के समय में आपको बताया था अकबर का जन्म ये 1542 में होता है कहाँ पे अमरकोट में होता है अकबर का जन्म अमरकोट में होता है ठीक है अमरकोट एक स्थान है और यह स्थान कहाँ पे स्थित है बाबू लोग यह सिंध में स्थित है और अमरकोट में भी अगर आप लोग देखेंगे तो एक राणा बीर साल है और ये बीर साल के महल में अकबर का जन्म होता है क्योंकि इस समय एक तरीके से जो हुमायूं है वो भगोड़ा के रूप में है और राणा बीर साल ने ही इसे पनाह दी है और किसी ने पनाह नहीं दी जब शेर शाह ने 1540 में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिया था तो भागने के अलावा इसके सामने कोई चारा नहीं बचा था तो हुमायूं भाग के इसी पश्चिमोत्तर क्षेत्र में गया था और यहाँ पे सिंध प्रांत में गया सिंध प्रांत में राणा बीर साल के महल में गया और ये कहाँ स्थित है ये अमरकोट में स्थित है इन्होंने शरण दी थी यहीं पर एक तरीके से हुमायूं का जन्म हुआ था इनकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था ठीक ध्यान रखिएगा आप सभी लोग थोड़ा आगे बढ़िए पिता का नाम क्या है पिता का नाम हुमायूं है माता का नाम हमीदा बानो बेगम है और इन्हीं को क्या बोलते हैं इन्हीं को मरियम मकानी भी बोलते हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं हुमायूं की पत्नी को मरियम मकानी भी बोला जाता है ध्यान रखिएगा हमीदा बानो बेगम उर्फ मरियम मकानी भी इन्हीं का नाम है निसी तिवारी ठीक निशी कनिका आप भी गए बड़ी अच्छी बात है राजपूत बी सिंह ममता शादी आफरीन ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा चिंता करने की बात बिल्कुल नहीं है और वो पीडीएफ में पुराना वाला आपको भेज दिया हूं स्थापत्य कला का तो उसको पढ़ लीजिएगा ठीक बानो बेगम उर्फ मरियम मकानी ये किसकी माँ का नाम है ये अकबर की माँ का नाम है पिता का नाम क्या है हुमायूं हुमायूं हुमाय। का मतलब क्या होता है भाग्यवान हुमायूं की मीनिंग क्या होती है भाग्यवान ठीक इसका पालन पोषण अब यहीं से अकबर क्या करता है अकबर वो हुमायूं हुमायूं अपने पुत्र अकबर को एक तरीके से ये जो अस्करी है ना अस्करी कौन है अकबर का चाचा और हुमायूं का भाई जैसे बाबर के चार पुत्र थे कल आपको हमने बताया था बाबर के चार पुत्र थे हुमा, हुमायूं तो जानते ही हैं कि शासक बना और उसके बाद में कामरान हिंदाल अस्करी चार पुत्र थे किसके बाबर के और हुमायूं शासक बना था तो इसी में से एक अस्करी भी है ये हुमायूं का क्या है हुमायूं का भाई है तो अस्करी की पत्नी सुल्ताना बेगम के साथ में छोड़ दिया था किसको अकबर को किसने छोड़ा हुमायूं ने छोड़ा हुमायूं का अकबर कौन है पुत्र है ठीक क्योंकि अकबर के पीछे कहीं ना कहीं एक तरीके से लगा था सिरसा और बालक था एक तरीके से अवोध बालक था पंद्रह में इसका जन्म हो रहा है तो हुमायूं ने सोचा कि भाई किसी के पास इसको छोड़ दिया जाएगा तो ठीक रहेगा क्योंकि हमारे जीवन में कहाँ क्या परिवर्तन आता है कैसे नदी नाला बन जल उपवन कैसे नांगना पड़े एक तरीके से और हुआ और सिरसा पीछा किया हुआ है तो कहीं युद्ध ना हो जाए युद्ध में खात्मा ना हो जाए इसलिए बालक अकबर तो बचा रहेगा तो इस समय एक तरीके से जो अस्करी है अस्करी की पत्नी सुल्ताना बेगम आपके सामने है और इसी सुल्ताना बेगम के पास अकबर को छोड़ दिया और अकबर को छोड़ के जो हुमायूं है वो ईरान चला गया ईरान चला गया और ईरान में सिया मत को अपना लिया था ठीक लेकिन अगर आप लोग देखेंगे तो अकबर जो शासक बना तो इसने प्रॉपर अपना राजाभिषेक करवाया था क्या करवाया था राजा अभिषेक करवाया था इसने और जब राजा अकबर ने करवाया तो कहां करवाया कलानौर में करवाया कलानौर पे स्थित है कलानौर स्थित है बाबूलोक कलानौर स्थित है गुरदासपुर में कलानौर स्थित है गुरदासपुर में मैं एक कंडीशन आपको अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे यहां पे मैं एक कंडीशन अप्लाई कर देता हूं जिससे अकबर के बारे में आप लोग समस्त इतिहास को अच्छे से समझ लें थोड़ा सा इस मैप को प्यार से बना लीजिए अगर प्यार से नहीं बनाते हैं तो जैसे बनाना है वैसे बना लीजिए यहाँ पे समझिए कि ए ये ये एच आर है एच आर का मतलब क्या है एच आर का मतलब हरियाणा है हरियाणा का इस समय आप लोग समझिए कि जो शासक है वो आदिल शाह है कौन शासक है बाबू लोग आदिल शाह यहाँ का शासक है थोड़ा कंडीशन समझिए आप सभी लोग इसका क्या नाम है आदिल शाह सूर नाम है इसी का एक प्रधानमंत्री है इसका नाम है हेमू 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 जाति से क्या है हेमू जाति से बनिया है हेमू जाति से बनिया है और हरियाणा का प्रसिद्ध बाजार है जिसका नाम है रेवाड़ी और रेवाड़ी में यह नमक बेचा करता है क्या बेचा करता है रेवाड़ी के बाजार में यह नमक बेचा करता है कौन हेमू हेमू के बारे में कहा जाता है कि अत्यंत बलशाली और ताकतवर शासक है इसने अगर आप लोग देखेंगे तो अपने जीवन में 24 युद्ध लड़े थे कितने युद्ध लड़े थे चौबीस युद्ध लड़े थे और चौबीस युद्ध में से इसको बाईस में विजय हासिल हुई थी कितने युद्धों में विजय हासिल हुई थी बाईस युद्धों में इसको विजय हासिल हुई थी ऐसा माना गया कि ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम हिंदू शासक है विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम हिंदू शासक है और चौदाहवा शासक है और चौदाहवां शासक है ये कौन हेमू तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिए तो ये डी लिखा है डी क्या डेल ही कर देते हैं डेल ही कर देते हैं एन डी एल एस कर सकते हैं डीएलआई कर सकते हैं डीएलआई में जो शासक है वो कौन है वो हुमायूं है समझते रहिएगा बाबू लोग समझते रहिएगा आपको बाबू बना के ही छोड़ेंगे चिंता मत कीजिएगा ये हुमायूं शासक है समय है यहाँ पे फिफ्टीन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स का कब का समय फिफ्टीन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स का समय 1556 में हुमायूं ने दिल्ली में एक नगर बनाया हुआ है उस नगर का नाम है दीन पनाह नगर इस तरीके से अगर आप लोग कंसंट्रेट रहेंगे तो आप जैसा इतिहास कोई जानेगा भी नहीं दीन पनाह नगर दीन पनाह नगर इसी दीन पनाह नगर में जो हुमायूं है एक पुस्तकालय बनवाता है इसका नाम है शेर मंडल पुस्तकालय ध्यान रखना कि ये शेर मंडल लाइब्रेरी है और इसको शेर शाह ने नहीं बनवाया इसको किसने बनवाया है इसको हुमायूं ने ही बनवाया क्योंकि शेर मंडल लिखा हुआ है और शेर शाह नाम थोड़ा सा मिलता जुलता है तो कंफ्यूज मत होइएगा नहीं तो गलती कर बैठेंगे ठीक है ना तो याद रखिएगा यहाँ पे यूपीएससी आपको कंफ्यूज कर सकता है तो शेर मंडल पुस्तकालय की लाइब्रेरी से सीढ़ियों से उतर रहा था लेकिन इसी समय आजान की आवाज थोड़ा ज्यादा ही सुनाई पड़ी ये घबरा गया घबराने के बाद में इसका पैर फिसल गया पैर फिसलने के बाद में इसकी मृत्यु हो गई यहां पे इतिहासकार लेन पुल साहब प्रकट हो जाते हैं और लेन पुल साहब कहते हैं कि अरे हुमायूं तो लुढ़कते लुढ़कते आया था और लुढ़कते लुढ़कते चला गया पंद्रह में कुल मिला हमारा मतलब यहां पर यह था कि मैं इसकी मृत्यु को आपको बताऊं अब जब इसकी मृत्यु हो गई तो दिल्ली खाली हो गई कैसे ये देखो आदिल शाह सूर यहां हरियाणा में बैठा हुआ है और ये दिल्ली खाली हो गई दिल्ली खाली भी इसलिए हो गई क्योंकि अकबर यहाँ पे इस समय नहीं है अकबर अगर आप लोग देखेंगे तो भारत का एक राज्य यहाँ पे पंजाब आपको दिखाई पड़ रहा है मान लीजिए अगर नहीं दिखाई पड़ रहा है तो इस पंजाब राज्य में स्थित है और पंजाब का एक क्षेत्र है जिसका नाम है जिसका नाम है कलानौर इसी कलानौर क्षेत्र में स्थित है कौन अकबर अकबर कहाँ पे स्थित है कलानौर क्षेत्र में स्थित है अब अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भाई पंजाब के किस जिले में कलानौर स्थित है तो क्या बताओगे तो पंजाब के एक तरीके से गुरदासपुर जिले में स्थित है किस जिले में स्थित है गुरदासपुर जिले में स्थित है गुरदासपुर जिले में स्थित है एक कंडीशन और देखिए हुमायूं का जो महानतम सेनापति बैरम खां है वो संरक्षक बना हुआ है अकबर का हुमायूं ने अकबर का संरक्षक बना दिया है किसको बैरम खां को और लेके आता है हुमायूं ही ईरान से जब लौटा है तो तो ये जो अकबर ये कलानौर में है तो इसके साथ में इसका संरक्षक बैरम खां है अब बैरम खां और अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिल गई जब मिल गई तो इसी समय एक तरीके से इस अकबर को बैरम खां ने कलानौर में कोरोनेशन इसका कर देता है राज्यभिषेक कर देता है और दिल्ली का एक तरीके से बादशाह घोषित कर देता है जब बादशाह घोषित करता है तब यहाँ पे एक नई कंडीशन बनती है ये हेमू क्या करता है हेमू देखता है कि दिल्ली खाली है तो हेमू हरियाणा से इस दिल्ली के ऊपर आक्रमण करता है छोटे मोटे हुमायूं के सेनापति रहते हैं उनको पराजित करके दिल्ली पर कब्जा कर लेता है और यहीं पर अब पानीपत के युद्ध की कंडीशन बन गई है तो पानीपत के युद्ध की कंडीशन कैसे बनी मैंने आपको बता दिया पानीपत के द्वितीय युद्ध की कंडीशन यहाँ पे बिल्कुल बन गई है अब अकबर इधर से चलेगा और हुमायूं यहाँ दिल्ली में बैठा हुआ है अकबर पानीपत में अपना क्या करेगा अपना पूरा डेरा उतार देगा मिलिट्री का और इधर से हेमू भी जाएगा और पानीपत का युद्ध होगा हेमू दुर्भाग्य बस हार जाएगा और अकबर जीत जाएगा लेकिन इसको बाद में देखेंगे अभी हम लोग जहां पे छोड़े हुए थे कोरोनेशन पे वहीं पे पहुंचते हैं राजा अभिषेक पे पहुंचते हैं कहां पहुंचते हैं राजा अभिषेक पे पहुंचते हैं तो अकबर का मैंने राज्यभिषेक करवा दिया एक कलानौर में राज्यभिषेक हो गया पंद्रह में कलानौर गुरदासपुर पंजाब में स्थित है ठीक है और जब अकबर का हुआ वर्ष माह दिन का समय क्या समझ रहे हैं आप सभी लोग तेरह तेरह वर्ष में यहां शासक बने हुए हैं मोहम्मद बिन कासिम ने सत्रह वर्ष में आपके ऊपर आक्रमण कर दिया है आप लोग फोन करके कहते हैं। सर अभी इक्कीस वर्ष के नहीं हुए हैं तो तैयारी कर सकते हैं क्या आप <laughs> कर सकते हैं भाई बिल्कुल कर सकते हैं कोई <laughs> दिक्कत नहीं है एक आध दो साल पहले से तैयारी कर दीजिए इक्कीस साल में पहले अटेम्प्ट में ही एग्जाम दीजिए दो तीन साल पहले तो तैयारी करना ही पड़ता है हु? और इक्कीस बाईस साल में अगर भैया आप क्या है आई बन जाएंगे कहाँ जाएंगे आपको पता है कहाँ सबसे बड़े देश के अधिकारी बन के आप आएंगे समझ लीजिए चालीस साल आपकी नौकरी है पूरी पूरी क्यों रेचा हम्म है ना वही बता रहा हूं तो यहां पे अकबर का पहला विवाह हो रहा है अकबर का पहला विवाह हो गया रुकैया बेगम से और किसकी पुत्री है मुस्लिम धर्म और संप्रदाय में घर परिवार में हो जाता है विवाह अभी भी हो जाता है तो ये जो रुकैया बेगम है ये हिंदाल की पुत्री है और हिंदाल किसकी हिंदाल किसका भाई है हिंदाल अगर आप लोग देखेंगे तो हुमायूं का भाई है और हुमायूं कौन है अकबर का पिता है तो यहाँ पर रुकैया बेगम से अकबर का पहला विवाह होता है ध्यान रखना यही ओरिजिनल पत्नी है अकबर की और पहली पत्नी है और माहम अनगा के बारे में जान लीजिए माहम अनगा कौन है अकबर से कैसे संबंधित है तो अकबर की धाय मां है अकबर की धाय मां है माहम अनगा धाय माँ किससे कहा जाता है जो अकबर का पालन पोषण करने वाला महिलाओं का समूह था या ग्रुप था उसी को धाय माँ के नाम से जाना जाता है इसमें माहम अनगा ही इसकी मुखिया थी अतका खां आपके सामने है अकबर का धाय पिता है अकबर का क्या है ये धाय पिता है समझिएगा आप लोग जीजी अनगा आपके सामने है ये अतका खां की पत्नी है अकबर का जीवनीकार बायजीत बकाद है अकबर का भी एक तरीके से जीवनी लिखी गई है और अकबर की जीवनी किसने लिखी है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बायजीत बकाद ने अकबर की जीवनी लिखी है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बायजीत बकाद ने अकबर की क्या लिखी है जीवनी लिखी हुई है अकबर की जीवनी लिखी हुई है ध्यान रखिएगा आप सभी लोग अकबर की जीवनी लिखी हुई है एक और मुख्य मुख्य बात है यहाँ पे जब दिल्ली में अकबर शासक बना तो टाइम था क्या अकबर जब दिल्ली में शासक बना तो टाइम क्या था 1556 का समय था। 1556 का समय था 1556 में अगर विश्व के कंडीशन में आप लोग देखेंगे तो इस समय कौन कौन शासक है कहाँ इसको देख लीजिए इस समय 1556 के आसपास में ये इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम टेलर शासिका के रूप में साक्षिका के रूप में अकबर की समकालीन है ठीक और इस समय जो फ्रांस का राजा है ये हेनरी चतुर्थ है फ्रांस का जो राजा है वो हेनरी चतुर्थ है और परसिया या फारस का राजा कौन है शाह अब्बास या फारस का मतलब क्या हो गया ईरान परसिया या फारस का राजा अत्यंत प्रसिद्ध है शाह अब्बास यहाँ के राजा हैं फ्रांस के राजा कौन है हेनरी चतुर्थ है ये आपसे कूट के रूप में पूछा जा सकता है ध्यान रखिएगा और ये महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम है ये विश्व के प्रमुख शासक हैं जो अकबर के समकालीन हैं जो अकबर के समकालीन है एक फ्रांस हो गया एक इंग्लैंड हो गया और एक ईरान यही तीन प्रमुख साम्राज्य ही थे अगर देखा जाए तो यही तीन प्रमुख साम्राज्य ही थे अगर देखा जाए तो थोड़ा जल ग्रहण करने का टाइम दीजिएगा थोड़ा सा जल ग्रहण करने का समय दीजिएगा अच्छा नहीं देंगे समय ऐसा है अरे ऐसा मत कीजिए जल ही जीवन है बिना जल के कैसे काम चलेगा हम्म आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा अब युद्ध करा देते हैं पांच नवंबर पंद्रह सो छप्पन को एक युद्ध हो रहा है पांच नवंबर पंद्रह सो छप्पन को एक युद्ध हो रहा है और इस युद्ध का नाम क्या है इस युद्ध का नाम है पानीपत का सेकंड बैटल सेकंड बैटल आप पानीपत एक तरफ यहाँ पे अकबर है और अकबर का साथी कौन है बैरम खां और बैरम खां है और अकबर मुगल है इसको क्या मिल गई इस युद्ध में विजय मिल गई और इधर कौन है ये आदिल शाह है और ये अफगान शासक है इसका प्रधानमंत्री कौन है हेमू हेमू जाति से बनिया है हमने आपको पहले भी बताया है ये पराजित हो गया क्योंकि अकबर की सेना का एक तीर जाके इस हेमू की आंखों में टकरा गया था इससे हेमू की एक आंख घायल हो गई हेमू का जो पीलवान था वो एक तरीके से इस हेमू को युद्ध के मैदान से निकाल के लेके गया लेकिन तब तक अकबर के सेनापति इसके पीछे आ गए थे और इसको एक तरीके से खत्म कर देते हैं तो युद्ध के मैदान में खत्म होने वाला ये दूसरा शासक है पहला कौन है इब्राहिम लोदी है जिसको बाबर ने खत्म किया था इस तरीके से यहाँ पे हेमू की पराजय के बारे में इतिहासकारों ने लिखा कि यह एक हेमू का दुर्भाग्य था और अकबर की विजय के बारे में लिखा कि यह अकबर का सौभाग्य था तो पानीपत के पहले युद्ध की सारी कंडीशन मैंने आपको पीछे बताया हुआ है और इस युद्ध में हेमू को पराजय मिली और अकबर को विजय मिली अकबर ने दिल्ली में अपना राज्यभिषेक करवाया और दिल्ली का प्रॉपर शासक बन गया लेकिन इस विजय का मुख्य कर्ता धरता बैरम खां था क्योंकि अकबर तो बालक था भाई शासक बन गया तो ठीक है लेकिन उतनी बुद्धिमानी थोड़ा ना है फिर भी सामने अपनी सारी बातें अगर कोई व्यक्ति देखता है राज दरबार में रहता है तो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है क्योंकि एक्सपीरियंस होता जाता है अनुभव होता जाता है क्या होता जाता है अनुभव होता जाता है जैसे पीसीएस जे की आप लोग तैयारी करते होंगे ना किसी ने एल किया होगा तो पीसीएस जे की आप लोग तैयारी करते हैं तो पीसीएस जे का जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई आपके घर में कोई वकील है या एडवोकेट है एडवोकेसी करता है या कोई जज तो नहीं है तो वो तुरंत समझ लेता है वहां पे जो एक्सपर्ट होता है कि अगर कोई एडवोकेट है या जज है तो इसका मतलब काफी कुछ सीखा हुआ है काफी कुछ व्यक्ति जानता है बचपन से ही जानता है सिलेक्शन होना ज्यादातर सुनिश्चित हो जाता है वहीं पे क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है और प्रशासन में भी आपके घर परिवार में अगर कोई होता है तो थोड़ा उसका प्रभाव पड़ता है लेकिन ना होने वाले लोग ज्यादा सक्सेस होते हैं क्योंकि यूपीएससी में ज्यादातर लोग गांव के ही होते हैं ज्यादातर लोग अभी बिहार को बिहार देखिए पिछली बार के जो टॉपर हैं गांव के ही तो हैं और ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों से ज्यादा सुंदर हैं आप लोगों से ज्यादा हस्त पुष्ट हैं आप लोगों से अच्छी स्माइल है हेयर स्टाइल है आप लोगों से अच्छा बोल लेते हो चैट कर लेते हो ऐसा कुछ नहीं है ये भी नहीं है कि वो मंगल ग्रह पे रहते हैं बीनस पे रहते हैं कुछ उन्होंने अलग से पढ़ लिया जो आप पढ़ रहे हैं वही उन्होंने भी पढ़ा है अब आदमी सक्सेस हो जाता है तो वो कुछ भी बोल रहे वो बात दूसरी है आदमी जब सक्सेस हो जाता है तो सक्सेस होने के बाद में वो ये भी बोल सकता है कि भाई हमने तो पढ़ाई नहीं की आधे घंटे रोज पढ़ाई की <laughs> तो उसकी बात को उसकी अरे हाँ आधे घंटे हाँ ऐसा हो सकता है आधे घंटे आधे घंटे और फिर आधे घंटे में वो कहते इतना कंसंट्रेट थे हम कि पूछो मत आधे घंटे में ही हम दस घंटे की पढ़ाई कर लेते थे तो उसकी बात को उस समय सुना जाता है क्योंकि उसका रिजल्ट हुआ है क्योंकि उसका रिजल्ट हुआ है उसके पास बैकअप है उसके पास क्या है बैकअप है लेकिन ऐसा संभव नहीं है हकीकत में जो आसपास में कोई होगा ना हाँ देखा होगा कि व्यक्ति कितना पढ़ाई किया है तो वही जानता होगा मेहनत करना पड़ता है यूपीएससी में जो भी सिलेक्शन लिया है इसका मेहनत किया है उसने समझ रहे हैं ना रोहित हाँ ये मत बोलिएगा रोहित सिलेक्शन के बाद में नहीं, नहीं 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 तो डेढ़ घंटे पढ़ाई करता था काफी था <laughs> काफी था और मुख्यतः डेढ़ साल ही पढ़ाई की ऐसा मत बोल कहना कि चार पांच साल तो पढ़ाई किए ही है हम्म है ना उर्मिला गौरव राहुल सपना विकास बंदना ठीक है आगे बढ़ते हैं तो अकबर जीत गया अब ये जो पानीपत का युद्ध है इसके बारे में कुछ मूल बातें आप लोग जान लीजिए ये जो पानीपत का सेकंड बैटल हो रहा है किसका पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हो रहा है आप लोगों ने देखा कि 1556 में हुआ 1556 में हुआ ठीक तो 1556 में यह युद्ध जो हुआ इसका इसका जो आई विटनेस था इसका जो प्रत्यक्ष दर्शी था वो आरिफ कंधारी था अब मेन मेन पॉइंट आप लोग जरा एक बार गौर कीजिए इसका मेन मेन पॉइंट जरा गौर कर दीजिए ठीक है तो यहाँ पे आरिफ कंधारी इसका प्रत्यक्ष दर्शी था युद्ध के पूर्व अगर आप लोग देखेंगे तो अकबर का मुख्य सेनापति बैरम खां और बैरम खां इस्लाम धर्म में सियामत का अनुयायी है जो अकबर है वो सुन्नी है और बैरम खां सियामत का अनुयायी है अब अकबर का एक सेनापति और है इसका नाम है तरदी बेग तरदी बेग ने इस समय कहा जब पानीपत के युद्ध की संभावना बनी तो इसने कहा कि देखो भैया ऐसा लगता है कि हेमू जो शासक है वो बड़ा बाहुबली शासक है 24 युद्ध लड़ा है 22 में विजय हासिल की है उससे एक तरीके से उससे 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 विजय पाना बहुत मुश्किल है तो शांति से यही गुरदासपुर में बैठे रहिए तब तक इस बैरम खान ने न आओ देखा न ताओ इसने तुरंत तरदीबे के ऊपर आक्रमण करवा दिया और इसका बध करवा दिया बध करके इसने ये है मुगल सेना में भाव दिखाने का काम किया कि अगर अकबर के खिलाफ कोई कुछ भी बोलता है तो उसका तुरंत बध करवा दिया जाएगा क्योंकि अकबर अब सम्राट बन गया क्या बन गया अकबर अब सम्राट बन गया हेमू रेवाड़ी का निवासी था ये आदिल शाह का वजीर वजीर का मतलब प्रधानमंत्री और सेनापति कमांडर इन चीफ भी था विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला यह चौदाहवां और अंतिम हिंदू सम्राट था ठीक है अब आगे बढ़िए अब आप लोग आगे बढ़िए अकबर शासक बन गया 1556 में अकबर क्या बन गया अकबर शासक बन गया 1556 में अकबर शासक बन गया कहां का शासक बन गया दिल्ली का शासक बन गया जब अकबर शासक बन गया तो अकबर तो अभी बालक है तेरह चौदह साल की उम्र हो रही है तो अकबर को संरक्षण प्रदान करता है कौन अकबर का संरक्षक बैरम खां जो सिया मत का अनुयायी है तो अकबर ने 1556 से 1560 के बीच में बैरम खां की संरक्षिता में शासन किया अब इसमें क्या इसको हासिल हुआ अकबर को और बैरम खां को क्या हासिल हुआ आइए इसको देखिए कहा गया कि 1556 से बैरम खां के संरक्षिता में अकबर ने शासन शुरू किया और 1560 में बैरम खां का मामला समाप्त हो गया ये क्या था ये अकबर का वजीर था कौन बैरम खां अकबर का वजीर वजीर का मतलब क्या होता है वजीर आला अभी आप लोग देखते होंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बोला जाता है इसका मतलब प्रधानमंत्री वजीर आला होता है ठीक है और ये बैरम खां कौन था बैरम खां सिया मत का अनुयायी था बैरम खां के नियंत्रण में ही पानीपत में अकबर को क्या मिली थी विजय मिली थी ध्यान रखना कब विजय मिली थी फिफ्टीन में बैरम खां के खिलाफ अगर आप लोग देखेंगे तो बैरम खां के खिलाफ अकबर के दरबार में एक ग्रुप एक्टिव हो गया धीरे धीरे इस बैरम खां के खिलाफ में अकबर के दरबार में एक ग्रुप एक्टिव हो गया इसको अतका खैल समूह के नाम से जाना गया बैरम खां के खिलाफ जो बैरम खां सिया था इसके खिलाफ में सुनियों का यानी अकबर के दरबार में एक ग्रुप एक समूह एक्टिव हो गया इसका नाम था अतका खैल तो अतका खैल भी वही ग्रुप था जो अकबर का पालन पोषण किया करता था जो अकबर का क्या किया करता था पालन पोषण करने वाली महिलाओं का ही ग्रुप था महिलाओं का ही यह ग्रुप था कालांतर में ऐसा माना गया कि ये जो बैरम खां है इस बैरम खां का भी कहीं ना कहीं फिफ्टीन हंड्रेड सिक्सटी में पतन हो गया डाउनफॉल हो गया इसका पतन हो गया और इसके पतन के पीछे अगर आप लोग देखेंगे तो कई कारण थे जैसे बैरम खां जो था वो सिया था और अकबर और अकबर का जो दरबार था वो सुन्नियों से सजा हुआ था और खास करके जो अतका खेल ग्रुप था उसमें महिलाएं ज्यादा शामिल थी तो उन्होंने क्या किया अकबर के कान भरा जब भी अकबर एक तरीके से दिल्ली आता था और इन महिलाओं के पास में जाता था ग्रुप में जाता था बैठता था महिलाएं फटाफट दस पाँच बात बोल देती अरे बैरम खां है कहीं आपको ये पराजित करके शासक न बन जाए दूसरे सिया भी है और थोड़ा कट्टर भी है अहम भी है इसके अंदर में दम भी है अहंकारी भी ये सब बातें अकबर को ये महिलाएं कहा करती थीं। तो सिया सुन्नी मतभेद एक उभर के आया और पक्षपात पूर्ण नीति कहते हैं कि जब बैरम खां को बैरम खान ने पंद्रह में अकबर के संरक्षण में अकबर को शासक बनाया बैरम खां ने और संरक्षण स्वीकार किया बैरम ने तो बैरम खान ने अपने आसपास के जो भी लोग थे उनको प्रशासन में अपॉइंटमेंट दिला दिया खास खास पदों पर बैठा दिया अपने नजदीकी लोगों को प्रशासन में बड़े बड़े पद दिला दिए जब बड़े बड़े पद दिला दिए तो अकबर के जो रिलेटिव्स थे जो ग्रुप्स था वो लोग एक तरीके से दूर हो गए इससे भी ये जो अतका खैल ग्रुप है जिसको कालांतर में पेटीकोट गवर्नमेंट के नाम से जाना जाएगा इनमें एक तरीके से भेदभाव उत्पन्न हुआ और नाराज हो गए बैरम खां से बैरम खां का कोई व्यक्तित्व तो बहुत ज्यादा नहीं था सिया था सिया लोग उदार माने जाते हैं लेकिन बैरम खां सिया होते हुए भी उतना ज्यादा उदार नहीं था क्योंकि ये दम्भी था अहंकारी था कभी कभी बड़ी जल्दबाजी में निर्णय ले लेता ले था बिना सोचे बिचारे निर्णय ले लेता ले ले था तो ये सब बैरम खां के पतन के मुख्य कारण है एक समय ऐसा आया कि अकबर के आदेश का पालन करते अकबर ने क्या किया अकबर ने इस बैरम खां को अपने दरबार में बुलाया और कहा देखो भैया आप बूढ़े हो चुके हो और हम भी थोड़ा सा अब बड़े हो चुके हैं तो हम चाहते हैं स्वतंत्र तरीके से शासन करें और अकबर के कान किसने भरा हुआ था वही अतका खैल ग्रुप ने भरा हुआ था तो बैरम का घबरा गया कि अरे ये क्या हो गया अकबर को भाई इतने पद बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर ये बात सुनेगा तो सोचेगा अरे ये क्या हो गया अकबर को तो कहा ये कुछ हुआ नहीं है आप बूढ़े हो गए हैं तो समय आ गया है कि अब शासन सत्ता हम देखें और आप आराम करें तो आप अगर जाना चाहते हो तो मक्का की यात्रा पर चले जाइए धार्मिक यात्रा पर चले जाइए घूम टहलाइए और दूसरे अगर नहीं जाना चाहते हो तो दरबार में एक दरबारी सलाहकार का पद लीजिए दरबार में बैठे रहिए कुर्सी पे आराम से बहुत ज़्यादा इधर उधर मत कीजिए तो बैरम खान जैसे व्यक्ति ने कहा कि चलो भैया अब मक्का की यात्रा पर चलते हैं कम से कम एक तरीके से मोहम्मद साहब या इस्लाम का प्रसिद्ध जो धार्मिक केंद्र है दर्शन तो हो जाएगा तो एक तरीके से अब बैरम खां किसकी यात्रा पर निकलता है बैरम खां निकलता है मक्का की यात्रा पर लेकिन 1560 सो ईस्वी में ही ये दिलवाड़ा दिलवाड़ा एक स्थान है बाबू लोग और यह स्थान कहाँ पे स्थित है यह स्थान स्थित है राजस्थान में यह स्थान स्थित है राजस्थान में और राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है माउंट आबू में स्थित है और यहीं पे जैनियों का एक मंदिर भी है और जैनियों का बिल्कुल चमकता हुआ मंदिर है और यहाँ पे ऋषभ देव की मूर्ति भी लगी हुई है दिलवाड़ा का मंदिर जिसे बोलते हैं ठीक है तो दिलवाड़ा नामक एक स्थान है और इसी स्थान पे ये आराम आराम से अपना बैरम खां जा रहा था यात्रा पे कौन सी भागम भाग थी आराम आराम से जा रहा था तो वो जो ग्रुप है महिलाओं का ना वो बहुत एक्टिव है बैरम खां के खिलाफ अकबर जब आया महिलाओं के दरबार में तो कहा अरे देखो तो धीरे धीरे जा रहा है या तेज तेज जा रहा है तो अकबर ने अपने एक सेनापति को भेज दिया और इस दिलवाड़ा नामक स्थान पे बैरम खां और अकबर के सेनापतियों में युद्ध हुआ और बैरम खां पराजित हुआ अकबर के सामने फिर पेश किया गया अकबर ने कहा कि इस बार थोड़ा तेजी से जाना मक्का की यात्रा पर इस बार क्या करना तेजी से जाना तो पुनः निकल गया बैरम खां मक्का की यात्रा पर ठीक बैरम खां दोबारा मक्का की यात्रा के लिए प्रस्थान करता है दोबारा मक्का की यात्रा के लिए प्रस्थान करता है और किसी को मक्का जाना है तो गुजरात जाना ही पड़ेगा अगर किसी को मक्का जाना है तो गुजरात इस समय जाना ही पड़ेगा क्यों क्योंकि गुजरात में इस समय जो सूरत है यहीं से मक्का के लिए जहाज पानी की जहाज वो उड़ने वाली जहाज नहीं पानी से होकर जहाज जाती थी है ना तो मक्का जाना है तो गुजरात जाना पड़ेगा और गुजरात जाना है तो सूरत जाना पड़ेगा तो यहां पे गुजरात में पाटन नामक स्थान पे ये पहुंचा था अभी सूरत पे पहुंचा भी नहीं कहा पहुंचा संतोष रंजेश सपना चिंटी शादिया प्रवीण आर्टिकल रोमियो कहा पहुंचा पाटन नामक स्थान पे पहुंचा कौन पहुंचा बैरम खां यहीं पे बैरम खां आराम कर रहा था तो समय क्या है इकतीस जनवरी 1560 का समय इकतीस जनवरी 1500 सो किस... ये किसने लिख दिया 1531 आपने लिखा क्या किसी ने आपने यहाँ पे मेंशन किया क्या पूजा भीषम ये किसने मेंशन कर दिया ड्रीम यूपीएससी कनिका आर्या तुमने लिखा क्या रोहित पंद्रह सो इकतीस किसने लिख दिया ये तो हुमायूं का टाइम पीरियड है आप लोग भी हम्म इतनी दूर से जादू चला देते हैं आप लोग इसको साठ कीजिए इसको क्या कीजिए इसे पंद्रह सौ साठ कर लीजिए आप प्रेम से कर लीजिए नाराज मत होइए हो जाता है कभी कभी ऐसा हो जाता है क्यों रंजन ऐसा कभी कभी हो जाता है तो 1560 का समय है 1560 में एक मुबारक खान नामक पठान मिल गया किस से? बैरम खां से और बैरम खां को इसने पहचान लिया बैरम खान ने घाघरा के युद्ध में कहीं ना कहीं इस मुबारक खान नामक पठान के पिता की हत्या कर दी थी और इस पठान ने पहचान लिया पठान पहुंच गया बैरम खां के पास और छूरा घोप के इस समय बैरम खां की क्या कर दी हत्या कर दी किसकी हत्या कर दी बैरम खां की इसी मुबारक खान ने हत्या कर दी बैरम खां के साथ में इस समय बैरम खां का पुत्र रहीम था बैरम खां के साथ में बैरम खां का पुत्र रहीम था अकबर को इस समय सूचना मिली जब मुबारक खान नामक पठान ने इसकी हत्या कर दी तो अकबर को सूचना मिली अकबर ने शाही सेना भेज दिया पाटन और शाही सेना के संरक्षण में बैरम खां के सौ को दिल्ली लाया गया इस समय सौ के साथ में बैरम खां का पुत्र अकबर भी था और बैरम खां की पत्नी सलीमा बेगम भी थी तो जो अकबर ने क्या किया ये जो बैरम खां का पुत्र था रहीम इसको अब्दुल रहीम खान खाना के नाम से मुख्यतः जाना जाता है इसके दोहे अति प्रसिद्ध हैं और पे इसकी जो पत्नी है इसको एक तरीके से खान खाना की उपाधि देके अकबर ने इसको क्या किया इसको नवरत्नों में नाइन ज्वेल्स में शामिल कर लिया ठीक और सलीमा बेगम से विवाह कर लिया अपना अपने संरक्षक की पत्नी से ही अकबर ने क्या किया सलीमा बेगम से विवाह कर लिया इस तरीके से अकबर के संरक्षक बैरम खां का मामला खत्म हुआ और बैरम खां का पुत्र आगे बढ़ा और सलीमा बेगम से अकबर ने ब्याह कर लिया यहां से एक तरीके से अकबर निपटा तो किसके हाथों में आ गया ये शासन या पेटीकोट गवर्नमेंट के हाथों में अकबर आ गया एक चंगुल से निकला तो दूसरे में फंस गया है ना 1560 से चौसठ के बीच में अकबर के ऊपर जो प्रभाव रहा वो पेटीकोट गवर्नमेंट का प्रभाव रहा पेटीकोट गवर्नमेंट में मुख्यतः अकबर अकबर का पालन पोषण करने वाले जो ग्रुप था जिसको एक तरीके से धायमा माँ और धाय पिता कहा जाता है उसमें ये लोग एक्टिव हैं ठीक अकबर इस काल में अपने प्रशासनिक कृत्यों हेतु तो केवल हर्म की स्त्रियों पर निर्भर हो गया था इस समूह में निम्नलिखित सदस्य थे ये देखिए माहम अनगा थी प्रसिद्ध वकील थी वकील का मतलब सेक्रेटरी माहम अनगा थी भैया सेक्रेटरी का मतलब भारत सरकार के इसमें सेक्रेटरी हैं आप तो देखिए जरा क्या स्थिति है आपकी सारा काम तो आप ही करते हैं वकीले भैया यहाँ मुखिया बनी बैठी हुई है पीर मोहम्मद आदम खान ये दोनों माहम अनगा के पुत्र हैं अब पूरा परिवार ही माहम अनगा ने भरा हुआ है अपना इस ग्रुप में पेटीकोट गवर्नमेंट के ग्रुप में पूरा माहम अनगा ने अपना परिवार स्वयं वकील भी है और पीर मोहम्मद और आदम खान ये दोनों पुत्र भी हैं एक मुनीम खां है और हमीदा बानो बेगम अकबर की माता है तो इसमें कितने लोग आपको वर्तमान में दिखाई पड़ रहे हैं एक हो गया दो तीन चार और पांच पांच लोग मुख्यतः इसमें दिखाई पड़ रहे हैं इनके संरक्षण में अकबर आ गया और इसी समय एक विद्रोह हो जाता है इसी समय अकबर के समय में पंद्रह में एक विद्रोह हो जाता है और अकबर के समय में ये जो विद्रोह होता है एक अस्थिरता उत्पन्न कर देता है तो पहला विद्रोह पंद्रह में होता है और उज्बेकों ने यह विद्रोह किया अब्दुल्ला खां उजबेक ये कौन है ये ईरानी है ये क्या है ये ईरानी शासक है इसने विद्रोह कर दिया अकबर के समय का यह पहला विद्रोह है अब्दुल्ला अकबर का विश्वास पात्र है।, है तो ईरानी और उज्बेक है लेकिन इसके दरबार में रहता है परंतु स्वभाव कैसा है लोभी है स्वार्थी किस्म का आदमी अकबर ने बहादुर खान के माध्यम से इस विद्रोह को समाप्त करवा दिया अपने सेनापति बहादुर खान को अकबर ने इस अब्दुल्ला खान के विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा ये शांत करा दिया अकबर ने उसके बाद में अफगानिस्तान के बलूचियों ने विद्रोह कर दिया पंद्रह सौ ईस्वी में ये विद्रोह की बात कर रहा हूं तो विद्रोह को इकट्ठे पढ़ लेते हैं काबुल की विजय के बाद बलूचियों ने अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था काबुल की विजय जब अकबर ने एक तरीके से की तो यहाँ के जो बलूची लोग हैं उन्होंने इस अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया और यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इस विद्रोह को दबाते समय ही बीरबल की मृत्यु हो गई थी बीरबल की क्या हो गई थी बीरबल की मृत्यु हो गई थी ये अकबर के दरबार के नौ और रत्नों में थे भाई बीरबल और दीन इलाही को स्वीकार करने वाले एक हिंदू थे और बाद में इस विद्रोह को आप लोग देखेंगे तो मानसिंह ने समाप्त कर दिया था किसने समाप्त कर दिया था मानसिंह कछवाहा राजा ये आमेर के राजा मानसिंह ने इन बलोचियों के विद्रोह को समाप्त किया था बलोचियों को राजपूतों के राजपूतों ने क्या किया समाप्त किया पंद्रह में यह विद्रोह हुआ था इसके बाद में अगर आप लोग देखेंगे तो अकबर के पुत्र शाहजादा सलीम ने ही विद्रोह कर दिया था अकबर के खिलाफ 1599 में और विद्रोह करके वही प्रयागराज में जा बैठा शाहजादा सलीम अकबर का पुत्र था और पंद्रह सौ निन्यानबे में आखिरी समय में विद्रोह करता है तो सभी विद्रोह को हम लोग पढ़ रहे हैं ठीक है इसमें सलीम बिलारी विलासी <laughs> सलीम जो था वो किस प्रकृति का था बिलासी व आराम प्रकृति का था काम धाम करना इसको अच्छा नहीं लगता था कई बार राजा के बेटे बड़े क्या हो जाते हैं आराम प्रसन्न हो जाते हैं उनको भाई कहो कि हाँ नहीं उठो सुबह हो गई है ब्रश व्रश कर लो स्नान उस्नान कर लो नहीं नहीं ब्रश भी कोई लाके रख दे हाथ में उठना ना पड़े किसी तरीके से वही ब्रश भी हो जाए चाय भी पीने के लिए उठना ना पड़े बस किसी तरीके से लेटे ही रहे चाय पी लें है ना ऐसा हो जाता है कभी कभी ऐसा कभी कभी हो जाता है कई बार हम लोग भी ऐसा सोच लेते हैं ऐसा एक आध बार सोच लेना स्वाभाविक है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जीवन में जीवन में स्टूडेंट लाइफ एक नाम आईडी है ऐसा हो जाता है कई बार क्यों राजपूत बीपी सिंह साहब बीपी सिंह साहब हो जाता है कई बार ठीक तो आराम पसंद सलीम अपने पिता के आदेश को ना मानकर प्रयागराज चला गया बहुत अपडेट ये पीपीटी है ध्यान में रखना ये आपको मिल भी जाएगी अपने पिता के किसी आदेश का पालन जहांगीर करता नहीं था सलीम करता नहीं था बड़ा प्यारा पुत्र था वही कहते हैं बादशाह के घर में ही बड़े मन्नतों के बाद पैदा हुआ था तो बड़ा दुलारा दुलारा पुत्र हो गया था ना बड़ा क्या हुआ था दुलारा पुत्र हो गया था ऐसे में अकबर जब कुछ कहता है कि भाई कोई काम धाम कर लो नहीं नहीं इसे आराम पसंद है कोई कुछ बोले ना ठीक है ना तो ये भाग गया प्रयागराज इसने सोचा वहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ आराम करेंगे वहाँ अकबर रहने अकबर कुछ बोलेगा भी नहीं पिता कुछ बोलेगा भी नहीं वहाँ सोता रहेगा अपना या जागेगा तो जागता रहेगा या फिल्म उलम देखता रहेगा पी वगैरह में या घूमेगा तो घूमता रहेगा ना ये विद्रोह करके कहाँ चला गया प्रयागराज चला गया और अकबर ने क्या किया आप इसमें अकबर ने क्या किया इस समय जब भाई पिता के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया तो कितनी मन्नतों के बाद अकबर ने इसको पाया था अकबर तो परेशान हो गया अकबर ने अपने सबसे साहसी बौद्धिक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम था अबुल फजल अबुल फजल से कहा भैया जाओ तुम ही मना सकते हो तुम सबसे समझदार हो तब तक जहांगीर ने अपने खुफिया विभाग से पता लगवा लिया कि कौन आ रहा है हमें समाप्त करने तो अबुल फजल आ रहा है तो जहांगीर का एक मित्र इलाहाबाद के पास में ही आपको बुंदेलखंड मिलेगा ठीक है वहां का वीर सिंह बुंदेला शासक है उसको कहा कि जाओ भैया तुम अबुल फजल का खात्मा कर दो तो अबुल फजल को एक तरीके से ये देखिए सलीम ने यहाँ पे पुनः विद्रोह कर दिया अंत में व्यवहार से दुखी होकर अकबर अबुल फजल को बुलवाता है और अबुल फजल को भेजता है किंतु यहाँ पे ये देखो और के राजा बीर सिंह बुंदेला के इशारे पर अबुल फजल की सोलह सौ दो ईस्वी में हत्या कर दी गई हत्या कर दी गई अबुल फजल की हत्या कर दी और अबुल फजल जहांगीर को शांत करवाने के लिए जा रहा था वीर सिंह बुंदेला ने काम तमाम कर दिया अकबर ने अपने पास में स्थित सबसे बुद्धिजीवी सबसे बौद्धिक सबसे बड़े साहित्यकार सबसे बड़े इतिहासकार को खो दिया दुख तो होगा ही लेकिन पिता तो पिता होता है माता तो माता होती है अब यहाँ पे देखो कितना भी बड़ा विद्रोही हो लेकिन माँ की गोद में अगर बेटा बैठ जाता है तो वो संसार का सबसे प्यारा बेटा होता है पहले माँ की गोद में बैठा और फिर जाके अकबर से अरे माफ कर दो भैया काहे नाराज हो बापू जी है अब बापू जी भी क्या करें उनके सामने क्या है भाई बापू जी ने भी माफ कर दिया ठीक है अब विद्रोह उद्रोह मत करना अब हम भी बूढ़े हो गए हैं अकबर भी बूढ़ा हो चुका है भाई 1542 में जन्म हुआ था और 1602 में यहां पे एक तरीके से 1602 सो तीन की कंडीशन ये सोलह सो दो तीन की कंडीशन है आगे थोड़ा बढ़ते हैं अब मुगलों की धार्मिक नीति हम लोग पढ़ेंगे मुगलों की धार्मिक नीति हम लोग पढ़ेंगे ठीक है मुगलों की धार्मिक नीति मतलब एक तरीके से अकबर की धार्मिक नीति को पढ़ेंगे पहले फिर जहांगीर भी पढ़ लेंगे साथ साथ में औरंगजेब भी पढ़ लेंगे शाहजहां जहां भी पढ़ लेंगे तो अकबर की धार्मिक नीति को सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अकबर की जो रिलीजियस पॉलिसी है मोटे मोटे शब्दों में आप लोग समझ लीजिए कि अकबर की जो धार्मिक नीति है वो धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत पर आधारित है धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत पर आधारित है ठीक है धार्मिक असहिष्णुता की बात नहीं की जा रही है आ शब्द नहीं लगा हुआ है आ अगर लग जाएगा तो वो कट्टरता की बात होगी सहिष्णुता शब्द का प्रयोग किया गया है इसका मतलब सभी के साथ धर्म के परिप्रक्ष में समान व्यवहार करेगा किसी भी धर्म के साथ में कोई भेदभाव अकबर नहीं करेगा सभी के साथ उदारता से पेश आएगा सभी धर्मों को समान निगाहों से देखेगा धार्मिक सहिष्णुता की नीति वर्तमान में भारत सरकार की भी भी है किसी भी धर्म को विशेष संरक्षण नहीं दिया जाता है ठीक यानी अकबर की धर्म के परिप्रेक्ष्य में जो नीति है वो कैसी नीति है वो उदारता की है वो कैसी है वो उदारता की है और ये डिपेंड किस पे है ये डिपेंड है सुलह ए कुल के सिद्धांत पर सुलह की बात की जा रही है किसके साथ में कुल के साथ में यानी परिवार के साथ में परिवार के साथ में यानी देश के साथ में सबके साथ में सुलह की बात की जा रही है सबके साथ में एक तरीके से उदारता की बात की जा रही है क्योंकि ये जो धार्मिक नीति का बेस है आधार है वो न्यू तो बड़ा अच्छा है अकबर का और काम भी अच्छा करता है अकबर इसीलिए तो ग्रेट बन जाता है तो कहा जाता है कि अकबर की जो धार्मिक नीति है वो धार्मिक सहिष्णुता की है अब आखिर अकबर को इतनी उदारवादी धार्मिक नीति की बात कैसे समझ में आ गई भाई आखिर अकबर तो मुस्लिम था उसको चाहिए था कि धर्म के परिपेक्ष में थोड़ा सा कट्टरता अपनाता कट्टरतावादी नीतियों को लागू करता लेकिन धर्म के परिप्रक्ष में वो समानता की नीति को लागू करता है या धर्म निरपेक्षता की नीति को लागू करता है उदारता की नीति को लागू करता है सबके साथ में सुलह की बात करता है तो ऐसी क्या कंडीशन आ गई अकबर के सामने है? कि अकबर ने उदारवादी नीति का पालन पोषण किया और आखिर इस नीति से अकबर को क्या फायदा हुआ तो अकबर ने इस नीति को अपनाया तो इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण थे धर्म के परिपेक्ष में अकबर का अगर आप लोग देखेंगे तो अकबर के जो वंशज थे वो तैमूर थे और जो पूर्वज थे वो बाबर थे और ये जो हुमायूं था ये भी एक तरीके से अकबर का पिता था अगर आप लोग देखेंगे तो धर्म के परिपेक्ष में इनमें कट्टरता की बात दिखाई नहीं पड़ती तो कहीं ना कहीं यहां से भी थोड़ा बहुत तो प्रभावित हुआ अकबर इसके अलावा अकबर का जो पालन पोषण हुआ एक उदार वातावरण में हुआ और श्रेष्ठ वातावरण में हुआ अकबर का पिता सुन्नी था अकबर का पिता हुमायूं सुन्नी था और संरक्षक सिया मतावलंबी बैरम खां था तो एक मिश्रित वातावरण में इसका क्या हुआ इसका संरक्षण हुआ ये देखिए अब्दुल लतीफ इसका गुरु था अब्दुल लतीफ इसका गुरु था और उदारतावादी विचारधारा का संरक्षक था अब्दुल लतीफ बैरम खान संरक्षक था अब्दुल लतीफ गुरु था तो बड़े उदारता के वातावरण में बड़े मिश्रित वातावरण में इसका पालन पोषण हुआ और इसी में ये बढ़ा तो कहीं ना कहीं इसका अकबर अकबर का इसके ऊपर अकबर के ऊपर इन बातों का सकारात्मक प्रभाव पड़ा राजपूतों से भी प्रभावित हुआ देखो राजपूतों के परिपेक्ष में तो अकबर ने चलांकी की लेकिन चलांकी भी ऐसी अकबर ने की कि अकबर को भी इसका फायदा हुआ और इसका फायदा यहाँ पे राजपूतों को भी हुआ देखो कभी जिंदगी में चलांकी भी करो तो दोनों पक्षों को फायदा हो कभी जिंदगी में चलांकी भी करो तो इतिहास कहता है कि दोनों पक्षों को फायदा होना चाहिए अगर दोनों पक्षों को फायदा होना चाहिए तो दोनों साथ में रहेंगे दोनों आगे भी बढ़ेंगे अगर चलांकी इकट्ठे आपने की और स्वयं अपने लिए की तो फिर दूसरे के तो दुश्मन बन जाएंगे आप और फिर एक बार नजरों में गिर जाता है तो व्यक्ति उठता कहां है तो जब सामने कभी उपस्थित होगा मौका मिलेगा तो कम से कम इतना तो जिंदगी में करना ही है कि अपने आप का लेवल इतना अच्छा बढ़ा लेना है कि कभी सामने किसी के मिलिए तो आंखें खोल के बातें कीजिए सीना तान के बातें कीजिए इतना तो करना ही है है ना क्यों भीषम आगे बढ़ा जाए भैया सोना किंजा सादिया संतोष राहुल रोहित दिव्या साक्षी उर्मिला रोमियो आगे बढ़ते हैं तो अकबर जो था वो सुन्नी था है ना सुन्नी वैसे इस्लाम धर्म में थोड़ा कट्टर तो थो होते ही क्योंकि सुन्नी लोग यह मानते हैं कि इस्लाम धर्म के मुखिया हम ही हैं और सिया थोड़ा उदार होते हैं वो भी मानते हैं कभी कभी वो भी कट्टर हो जाते हैं लेकिन सिया के बारे में मुख्यतः ये माना जाता है कि सिया उदार लोग हैं जैसे हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात होती रहती है और आपस में कई मत विभिन्नता बनी रहती है वैसे इस्लाम धर्म में सिया और सुन्नी में मत विभिन्नता बनी रहती है सर्वश्रेष्ठता को लेकर कौन सर्वश्रेष्ठ है ठीक तो यहाँ पे हमारे कहने का मतलब ये है कि राजपूत भारतीय इतिहास में योद्धा वर्ग के रूप में विख्यात है जरा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा थोड़ा कंसेप्सुअल बात आपको बता रहा हूँ राजपूत भारतीय इतिहास में किसके रूप में विख्यात है योद्धा वर्ग के रूप में विख्यात है? है और हिंदू मतावलंबी है तो जब तक राजपूतों का साथ अकबर नहीं लेगा तब तक आगे बढ़ सकता है जिंदगी में क्या और साथ तभी लेगा जब उनके 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 परिपेक्ष में सद्भावनापूर्ण नीति का विकास करेगा ऐसी नीति का विकास करेगा जिसमें एक तरीके से कोई विशेष हस्तक्षेप ना हो और राजपूतों का साथ लेने के लिए ही अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का विकास किया अगर धार्मिक कट्टरता की नीति का विकास करता तो इस्लाम को राजपूतों के ऊपर थोपने का प्रयास करता इसमें राजपूतों में और अकबर में संघर्ष होता फाइट होती और जब फाइट होती है तो दोनों पक्षों का धन भी खत्म होता है और दोनों पक्षों के जन भी खत्म होते हैं इसमें दोनों पक्षों का नुकसान होता है और दोनों पक्षों का विकास रुक जाता है अकबर को तो आगे बढ़ना था अब अकबर काफी चलांक सातिर समझदार कूटनीतिक हो गया था पढ़ा नहीं था लेकिन समझदार बहुत हो गया था बड़े बड़े बौद्धिक लोग आके बैठते थे और एक मिनट में समझा देता था जुबान भी नहीं खुलती थी तो शासक जो होते हैं वो बड़े सातिर होते हैं ध्यान रखना आप सभी लोग आयुष बनेंगे कल <laughs> तो एक्सपीरियंस बहुत रहता है शासक के पास में भरले ही वो विधायक के रूप में ही क्यों ना हो बहुत एक्सपीरियंस रहता है इन लोगों के पास पढ़ाई चाहे नवे की हो लेकिन एक्सपीरियंस के आधार पर इतना कुछ गेम कर लेते हैं कि पूछो मत और पढ़ते भी खूब हैं समझदारी भी कूट कूट के भरी रहती है तो राजपूतों से भी प्रभावित हुआ तो क्या करेगा आप तो धार्मिक सहिष्णुता की नीति का विकास करेगा भक्ति आंदोलन इस समय भारत में चल रहा है भक्ति आंदोलन में अगर आप लोग देखेंगे तो जैसे मीराबाई इस समय हुई नामदेव हुए एक हुए तुकाराम हुए रामदास हुए ये सब मराठी संत हैं और भारतीय संत हैं और भक्ति के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने की बात करते हैं दूसरे सूफी धर्म में भी भक्ति की बात इसमें की जा रही है भक्ति के माध्यम से संगीत के माध्यम से अपने संकल्प को अपने अयम को प्राप्त करने की बात की जा रही है कई सूफी सिलसिले भारत में आ चुके हैं चाहे वो चिश्ती सिलसिला हो सुहरावर्दी सिलसिला हो कादरी सिलसिला हो फिरदौसी सिलसिला हो ये कई प्रकार के सिलसिले भारत में आ चुके हैं और इनके प्रसिद्ध संत भी भारत में अपनी खानकाह बना के वहां पर रह रहे हैं और सूफी धर्म से संबंधित जो ऋषि हैं जो मुनि हैं, जो तपस्वी हैं, जो एक तरीके से आचार्य हैं, उनका कुल मिला मानना यही है कि भारत में सभी के हितों की रक्षा हो किसी को किसी तरीके से नुकसान हो जो सद्भावना है आपसी वो कायम हो जो आपसी बैमनस उसको भुलाया जाए इसका भी प्रभाव अकबर के ऊपर कैसा पड़ा धर्म के परिपेक्ष में सकारात्मक रूप से पड़ा इसके बाद में मेहंदी विचारधारा अगर आप लोग देखेंगे तो इस्लाम धर्म में एक विचारधारा ऐसी आती है जो उदारता का प्रतिनिधित्व तो करती है जिसको मेहंदी विचारधारा के नाम से जाना जाता है इसमें भी दर्शन की कुछ प्रमुख बातें होती हैं तो इस मेहंदी विचारधारा के जो संरक्षक हैं वो अकबर के साथी लोग ही हैं तो इनका भी एक तरीके से अकबर की रिलीजियस पॉलिसी पे थोड़ा सा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा इम्पैक्ट पड़ा तो अकबर इस परिपेक्ष में अपने आप को क्या बनाना चाहता है धर्म प्रचारक बनाना चाहता है मेहंदी विचारधारा के अंतर्गत ये कहा गया कि इस्लाम धर्म के एक तरीके से जो धार्मिक प्रधान होते हैं इस्लाम धर्म के जो धार्मिक प्रधान होते हैं जैसे मान लीजिए उलेमा लोग होते हैं ठीक है जैसे मान लीजिए मौलवी लोग होते हैं कौन होते हैं मौलवी होते हैं या अन्य धार्मिक लोग होते हैं तो उलेमाओं के बारे में आप लोग देखते होंगे जैसे जामा मस्जिद के प्रसिद्ध उलेमा फला 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 है ना जैसे लखनऊ की फला मस्जिद के उलेमा हैं तो ये लोग क्या करते हैं आप लोग देखते होंगे कि विभिन्न अवसरों पे ये जो इस्लामिक ग्रंथ हैं इनको भी समय के हिसाब से इसमें थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करते हैं समय के हिसाब से इसको परिभाषित करने का काम करते हैं इसी को शरीयत बोलते हैं और इस शरीयत का अगर कोई पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ फतवा जारी किया जाता है इस शरीयत का अगर कोई पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ फतवा जारी करता है फतवा ये ये उलेमा तो अब बनना इतना आसानी नहीं है अब उलेमा बनना इतना आसान नहीं है बहुत बुद्धिजीवी होना चाहिए और बहुत सारी डिग्रियां होनी चाहिए अब क्रम से आगे बढ़ते हैं अब इस्लाम धर्म में भी ये सब डिग्रियां होती हैं लेयर बाय लेयर आपको आगे बढ़ना पड़ता है तो अकबर के परिपेक्ष में अगर आप लोग देखेंगे तो ये मेहंदी विचारधारा कहती है कि ये लोग अपने हिसाब से जो एक तरीके से मुस्लिम जनता है उसको अपने संरक्षण में लेने का प्रयास करते हैं अपने हितों को साधने का प्रयास करते हैं तो अगर कोई शासक आए तो इनको हटा दे और इनको हटाने के बाद में अपने हिसाब से समय के हिसाब से जो राज्य के लिए सही हो जो लोगों के लिए सही हो जिसमें परोपकार की भावना हो जिसमें जन कल्याण की भावना हो ऐसी नीति का विकास करे तो मेहंदी विचारधारा यही कहती है कि इन लोगों को हटाने के बाद में जो शासक होगा वो जन कल्याण के परिपेक्ष में राज्य में अराजकता ना फैले राज्य में एक तरीके से सहिष्णुता की बात बनी रहे राज में कोई गंभीर सांप्रदायिक स्थिति ना बने इसलिए इनको इनके पद से हटा दिया जाए और धर्म का प्रधान भी कौन बन जाए शासक बन जाए तो अकबर तो चाहता था क्या चाहता था जनता के हितों की रक्षा करना अकबर चाहता था क्योंकि उसे ग्रेट बनना था तो अकबर इस मेहंदी विचारधारा से क्या हो गया प्रभावित हो गया और धर्म के परिपेक्ष में सहिष्णुता की नीति का विकास कर लिया अब इस सहिष्णुतावादी नीति का उद्देश्य क्या था इस सहिष्णुतावादी नीति का उद्देश्य कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना था धर्मनिरपेक्ष राज्य कैसा राज्य होता है जिसमें किसी भी धर्म को विशेष रूप से संरक्षण नहीं दिया जाता उसी को धर्मनिरपेक्ष राज्य की संज्ञा प्रदान की जाती है धर्म के परिपेक्ष में एक निगाह से देखना है सभी धर्मों को चाहे वो चाहे वो सूफी हो चाहे वो जैन हो चाहे वो बौद्ध हो चाहे वो इस्लाम हो चाहे वो हिंदू हो और इसी को देखते हुए भारत में आप लोग देखेंगे जो भारत का संविधान कहता है वो भी तो यही बात कहता है इसके अलावा शासक वर्गों दूसरी बात देखिए क्या उद्देश्य है धार्मिक सहिष्णुता की नीति का विकास का शासक वर्गों शासक वर्गों का मतलब क्या हुआ शासक वर्गों का मतलब अकबर एक शासक है मुगल शासक है तो क्या अकबर ही भारत में एक शासक है अकबर के अलावा अन्य क्षेत्रीय शासक भी तो है राजपूत भी तो है बीजापुर भी है गोलकुंडा भी तो है मालवा भी तो शासन का केंद्र है बंगाल भी तो है उत्तर भारत में भी तो अन्य केंद्र बने हुए हैं तो शासक वर्गों की बात हो रही है इन शासक वर्गों एवं समाज में संतुलन स्थापित करने के लिए अब शासक वर्ग में हो सकता है कोई हिंदू हो कोई मुस्लिम हो कोई किसी अन्य पंथ का अनुयायी हो और वो अपने अन्य पंथ को आगे बढ़ाने की बात करता हो तो लेकिन जो राज्य की नीति होगी राज्य का मतलब राष्ट्र से है वैसे राष्ट्र की संकल्पना अभी आई नहीं है ध्यान रखना आप सभी लोग राष्ट्र की जो संकल्पना आती है वो आधुनिक भारत में आती है तो आखिर राज्य एक नीति का विकास करेगा तो शासक वर्ग ये छोटे छोटे जो राज्य हैं वो भी तो इसका पालन करेंगे जैसे मान लीजिए कि वर्तमान में केंद्र सरकार है और केंद्र सरकार के अधीन ही तो 28 राज्य हैं तो जो केंद्र की नीति होगी उसी का पालन तो राज्य सरकार करेंगे तो वही कंडीशन यहां पे भी है शासक वर्गों के बीच में एक संतुलन स्थापित करना चाहता है कौन अकबर इसलिए धर्मनिरपेक्षता की नीति का विकास करता है इसका प्रमुख उद्देश्य राजनीतिक है क्योंकि मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए हिंदू प्रजा राजपूत का साथ लेना अनिवार्य है बड़ा चलाक है अकबर र, आ, देखो। अकबर देखो बड़ा ही चलाक और बड़ा सातिर है अकबर जानता है कि भैया हम राजपूतों से लड़ेंगे तो हार जाएंगे और बड़ा नुकसान हो जाएगा आप लोगों से भी इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं मैं तो जानता हूं इस रास्ते से गुजरा हूं तैयारी काफी दिनों तक की और काफी दिनों से आप लोगों के बीच में है अन्य संस्थानों में भी ऐसा नहीं है कि किसी संस्थान में न पढ़ाया और देश के श्रेष्ठ और जितनी भी कैपिटल सिटीज मोस्टली है वहां पे पढ़ाया हुआ है अभी भी पढ़ा रहे हैं आज भी पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अकबर बड़ा चलाक और सातिर है ये राजपूतों का साथ लेना चाहता है और राजपूतों का साथ तभी ले पाएगा जब हिंदुओं के परिपेक्ष में कुछ अनैतिक नहीं करेगा कुछ नकारात्मक नहीं करेगा तभी तो राजपूत झुकेंगे इतना आसान है क्या राजपूतों का साथ लेना तो मैं तो ये कहता हूँ कि आपके आसपास में भी बहुत सारे निगेटिव लोग होंगे यहाँ पे कोई किसी को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता आप लोग आई की तैयारी करते होंगे बताते होंगे अपने पिताजी से या घर परिवार वालों से वो साल दो साल तैयारी करते हुए आई की तैयारी कर रहे हैं अच्छा अच्छा आई की तैयारी कर रहे हैं तो आई का तो भौकाल सब लोग जानते ही हैं तो भौकाल जब जानते हैं तो इस इस भय से परेशान होते हैं कि कल को हमारा पड़ोसी अगर आई बन गया तब तो ठीक से रहने नहीं देगा तो पड़ोसी बड़ा जलते रहते हैं तो उनसे बताइए ही मत कि आप आई की तैयारी कर रहे हैं उनसे बताइए ही मत कि आप आई की तैयारी कर रहे हैं उनसे कहिए है कि अरे हम तो थोड़ा बहुत ऐसे पढ़ाई कर रहे हैं नौकरी कर रहे हैं थोड़ा बहुत ट्यूशन व्यूसन पढ़ाते हैं ठीक तो है बिगड़ गया है क्योंकि वो अनर्गल तरीके से श्राप देने लगते हैं निगेटिव हो जाते हैं वो लोग और सबसे थोड़ा शांतिप्रद अपना व्यवहार बना के रखिए कोई कुछ बोलता भी है तो थोड़ा बच के निकल जाइए समय जिस दिन आई बन गए कुछ बोलना नहीं पड़ेगा जिस दिन आईएस बन गए उस दिन आपको बोलना नहीं पड़ेगा जितने भी लोग होंगे आपके सामने स्वयं आएंगे गिड़गिड़ाएंगे और अगर कुछ भी विवादित बातें होंगी आपके पड़ोस में तो स्वयं उसको छोड़ के निकलते जाएंगे चाहे वो जमीन हो चाहे कुछ भी हो अरे नहीं नहीं फलाने का है अच्छा कभी था तीसरे चौथे पुस्त में कभी कुछ था अच्छा नहीं नहीं निकल दो निकल दो भाई हट जाओ वो आपके आसपास में आएंगे ही नहीं तो समय जवाब दे देगा आप लोग अभी जवाब मत दीजिएगा आप लोगों का काम है पढ़ाई करना समय जब जवाब देता है तो फिर किसी की कुछ हिम्मत नहीं पड़ती है बोलने चलने की ठीक ना तो आप लोगों को जो काम मिला है जो घर वालों ने काम दिया है वही काम आप लोग कीजिए पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई से ही नौकरी मिलती है ठीक पढ़ाई से ही नौकरी मिलेगी ध्यान रखना और पढ़ना पड़ेगा बिना पढ़े कल्याण न हो तो पढ़ाई करना पड़ेगा ठीक है थोड़ा आगे बढ़ते हैं मेहंदी विचारधारा को हमने आपको एक्सप्लेन ही कर दिया था मेहंदी विचारधारा को हमने एक्सप्लेन कर दिया था अब थोड़ा विकास देखते हैं अकबर की धार्मिक नीति का विकास देखते हैं अकबर की धार्मिक नीतियों को मुख्यतः मैं तीन चरण में आपको समझाऊंगा जो अकबर के रिलीजियस पॉलिसी है इसका जो विकास किया अकबर ने तीन चरण में किया जो पहला चरण अकबर की धार्मिक नीति का स्टार्ट होता है वह पंद्रह में स्टार्ट होता है और पंद्रह में समाप्त हो जाता है पंद्रह में स्टार्ट होता है और पंद्रह में ये पहला चरण समाप्त हो जाता है ठीक अब इसमें अकबर क्या करता है आइए इसको देखते हैं अकबर यहाँ पे कुछ उपयोगी काम करता है जनता के बीच में राज्य के बीच में जो संकुचित विचारधाराएं हैं आ, उसको अकबर समाप्त करने का प्रयास करता है जैसे अकबर ने इसी चरण में दास प्रथा को समाप्त कर दिया अकबर ने इसी चरण में सर्वप्रथम पंद्रह में दास प्रथा को समाप्त कर दिया स्लेव सिस्टम को समाप्त कर दिया अगर भारत में दासता के इतिहास को गहराई से समझा जाए तो वैदिक काल से दास प्रथा भारत में विद्यमान थी ऋग्वेद में कई प्रकार के दासों का वर्णन मिलता है अगर आप लोग देखेंगे तो ऋग्वेद में कई प्रकार के दासों का वर्णन मिलता है ध्यान रखिएगा आप सभी लोग ऋग्वेद के अलावा स्मृति ग्रंथों में भी कई प्रकार के दासों का वर्णन मिलता है और इसमें एक आपको नारद स्मृति मिलेगी और नारद स्मृति में पहली बार यह बात कही गई है कि दासों से दासों को चाहिए कि जो दासों के स्वामी दासों के स्वामियों को चाहिए कि उनको वो, अगर वो अच्छा काम करें तो उनको मुक्त कर दे दास्ता से देवल स्मृति जो पूर्व मध्यकाल की है उसमें भी दास व्यवस्था का वर्णन मिलता है लेकिन 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 अर्थशास्त्र में भी दासों के नौ प्रकार का वर्णन मिलता है इसमें अर्थशास्त्र में भी दासों के नौ प्रकार का वर्णन मिलता है अर्थशास्त्र किसने लिखा कौटिल्य ने लिखा था कौटिल्य चाणक्य जो जिसको भारत का मैकिया बोलते हैं जिसे विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है जिसने सीएम यानी चंद्रगुप्त मौर्य को स्थापित किया था मगध का राजा बनाया था भारत का राजा बनाया था लेकिन लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एक विदेशी शासक था जो सिकंदर का उत्तराधिकारी था जिसका नाम था सेलुकस सेलुकस से समुद्र सेलुकस से चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य सेल्युकस से पराजित हो गया था झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ था झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ इसमें चंद्रगुप्त मौर्य विजयी हो गया और सेल्युकस जो अलेक्जेंडर या एक तरीके से आ, सिकंदर महान का उत्तराधिकारी था वो पराजित हो गया था मेसिडोनिया या मकदूनिया का शासक था सेल्यूकस तो इन दोनों के बीच में एक संधि होती है इस संधि के अनुसार इस संधि के अनुसार को अपनी एक सुंदर पुत्री हेलना से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह करना पड़ता है और दहेज में आप लोग जानते ही हैं काबुल कंधार हेरात मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य को तो काबुल कंधार हेरात पूरा अफगानिस्तान ले, ले लेता है चंद्रगुप्त मौर्य और दहेज में तो जो अफगानों का एरिया है अफगानिस्तान का एरिया है वो पूरा आ जाता है अंग्रेजों का भी इतना बड़ा साम्राज्य नहीं था अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं कर पाए थे अब यही सेलूकस अपने दरबार का एक प्रसिद्ध बौद्धिक व्यक्ति जिसका नाम था मेघस्थनीस को राजदूत बना चंद्रगुप तो के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है जब सेल्यूकस मेगस्थनीस को चंद्रगुप्त तो मौर्य के दरबार में भेजता है तो राजदूत है अच्छी अच्छे स्थानों पर जाता है उस समय तो ताजमहल था नहीं लेकिन पाटलिपुत्र का राजा प्रसाद इतना भव्य था कि पूछो मत अच्छी अच्छी जगहों पे गया तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो आया ये मेघस्थनीज मेघस्थनीज जब लौट के गया तो अपना यात्रा संस्मरण लिखा इंडिका और इंडिका में भारत में दास प्रथा है ही नहीं क्योंकि हो सकता है कि इसको भ्रम हो गया हो ये अच्छी अच्छी जगहों पे गया जैसे मान लो किसी रेस्टो में गया अब रेस्टो में भी जो खाना परोस रहे हैं वो तो एच करके जा रहे हैं होटल मैनेजमेंट करके जा रहे हैं हेलो एक्सक्यूज मी सर है ना वो अंग्रेजी में बात करेंगे तो वो दास लगेंगे आपको बोला दास तो लगेंगे नहीं तो हो सकता है मेघस्थनिज ऐसे स्थानों पर गया हो गांव वाँव में गया ही नहीं हो जहाँ दास प्रथा मुख्य रूप से थी भारत में और ये भी हो सकता है कि जो यूरोप में दास प्रथा थी नी ना उसका बड़ा गिरा स्वरूप था हमारे यहाँ दास प्रथा उतना 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 नाजुक नहीं थी दासों को भी बहुत सम्मानित स्थान तो नहीं मिला हुआ था लेकिन अपना रोजी रोटी सबकी चलती थी तो शायद वहां स्थिति थोड़ा ज्यादा खराब रही हो हमारे यहाँ थोड़ा मजबूत रही हो इसलिए मेघस्थनीज ने अपनी इंडिका में कहा कि भारत में दास व्यवस्था का विवरण नहीं है तो कई बातें मेघस्थनीज ने <laughs> उल्टी पुल्टी कही है उसको भ्रम ही हो गया हो भारत की भारतीयों के बारे में कहता है भारत को लिखना उखना नहीं आता लेखन शैली का ज्ञान नहीं था आप लोगों के बारे में मेघस्थनीज बोलता है बताइए आप लोग कुछ बोले ही नहीं मेघस्थनीज को क्यों विपिन कनिका अच्छा मैं साइड हो जाऊं अच्छा ये बात है तो बताया क्यों नहीं आपने पहले क्यों नहीं बताया आपका आदेश सर आंखों पर कनिका हो गया मैं साइड हम्म विधेयक क्या होता है अरे पहले इसको तो समझ लो धन विधेयक में धन मिलता है और क्या होता है धन विधेयक में क्या होता है हाँ, धन विधेयक में राज्य को धन दिया जाता है जिससे राज्य की बाजार में तरलता बनी रहे ठीक है लोकसभा अध्यक्ष की मोहर लगी रहती है कि यह धन विधेयक है तो मैं क्या बता रहा था भाई हाँ दास प्रथा के बारे में बता रहा था आगे मध्यकालीन भारत में खूब दासों से प्रेम किया शासकों ने क्यों क्योंकि दास बड़ी निष्ठा करते थे अपनी स्वामी के प्रति में सेवा करते थे उतनी सेवा उतनी निष्ठा पिता को अपने पुत्र से नहीं होती थी जितनी दासों से होती थी एलतुतमिश ने आप लोगों ने देखा कि दासों के हितों की रक्षा के लिए तुर्का ने चहलगानी या गुलाम दाल गुलाम दाल चालीसा नहीं गुलाम चालीसा की स्थापना की थी किसने एलतुत्मिश्र ने फिरोज तुगलक को दासों से बड़ा प्यार था फिरोज तुगलक ने दासों के हितों की रक्षा के लिए दीवाने बंदगा नामक दास विभाग बनाया था और फिरोज तुगलक के टाइम पीरियड में एक डाटा आपको बताता हूं फिरोज तुगलक के टाइम पीरियड में एक लाख अस्सी हजार दास थे एक लाख अस्सी हजार दास थे ध्यान रखना आप सभी लोग कितने दास थे एक लाख अस्सी इसमें मान लो जीरो गड़बड़ा गया हो इसे गड़बड़ाता नहीं है तो सुन लीजिएगा एक लाख अस्सी हजार लिखा हुआ है एक लाख अस्सी हजार लिखा हुआ है ठीक है एक लाख अस्सी हजार दास थे यह डाटा याद रखना आप सभी लोग और फिर उस तुगलक दासों की आयात और निर्यात पर प्रतिबंध लगा देता है ध्यान रखना है। और अकबर अब दास प्रथा को समाप्त करता है पंद्रह में ठीक उसके बाद में अकबर पंद्रह सो ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करता है तीर्थ यात्रा कर हिंदुओं के ऊपर मुख्यतया शासको ने लगाया ठीक है तीर्थ यात्रा कर जैसे कोई वाराणसी की यात्रा कर रहा है जैसे कोई बगला मुखी माता मंदिर को देखने जा रहा है कांगड़ा में स्थित है या अन्य किसी तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा है तो इस समय तीर्थ यात्रा पर कर लगता था तो इसको एक तरीके से छोड़ दिया था किसने छोड़ दिया अकबर ने छोड़ दिया इसके बाद में 1564 में अकबर ने जजिया को समाप्त कर दिया जजिया भारत में सबसे पहले किसने लगाया जजिया भारत में सबसे पहले सिंध क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया ठीक मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया लगाया फिरोज तुगलक ने भी जजिया लगाया जजिया जकात, खराज, चार मुख्यतया कर थे अब मुस्लिम जो शासक होते थे जिनसे जजिया लेते थे उस जनता को जिम्मी बोला जाता था जिम्मी का मतलब संरक्षित जनता मतलब मुस्लिम शासक आपसे जजिया लेंगे और आपको संरक्षण देंगे अपने राज्य में आपके ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर पाएगा ये सारी बातें हालांकि होता इसका उल्टा था तो अकबर ने लेकिन एक तरीके से जजिया को समाप्त कर दिया वैसे भी परंपरागत रूप से जजिया किससे नहीं लिया जाता था महिलाओं से बच्चों से जो फिजिकली हैंडीकेप होते थे कोई अंधा है कोई फिजिकली हैंडीकेप है इनसे जजिया नहीं लिया जाता था और ब्राह्मणों से भी नहीं लिया जाता था जजिया को हटा दिया एक कोड बता देता हूं आपको डी टी जे डी टी जे इसका मतलब क्या हुआ ये तीनों आपको क्रम से प्रथाएं मिलेंगी जिसको अकबर समाप्त करता है डी का मतलब दास प्रथा को समाप्त किया अकबर ने फिफ्टीन हंड्रेड सिक्सटी टू में टी का मतलब क्या है तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया अकबर ने फिफ्टीन हंड्रेड सिक्सटी थ्री में जे का मतलब जजिया को समाप्त किया फिफ्टीन हंड्रेड सिक्सटी फोर में इस क्रम को याद रखना फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी पंद्रह सो बासठ तिरसठ चौसठ बस कोड लिख लीजिए कोड डी टी जे ठीक अकबर की इसी चरण में मुलाकात होती है एक प्रबुद्ध व्यक्ति से जिसका नाम है शेख मुबारक इसी पहले चरण में शेख मुबारक से मुलाकात होगी शेख मुबारक रोजगार की तलाश में भटक रहा था अकबर से जब मुलाकात हुई तो अकबर बड़ा प्रभावित हुआ और खास करके शेख मुबारक के दो बच्चों से प्रभावित हुआ और इन बच्चों का नाम क्या था एक का नाम अबुल फजल एक का नाम अबुल अबुलफजी बड़ा था फजल छोटा था कालांतर में अकबर की नीतियों के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव इसी अबुल फजल का पड़ा अबुल फजल के पिता का नाम शेख मुबारक भाई का नाम ये अबुल फैजी है भाई का नाम अबुल फैजी है ध्यान रखिएगा ये पहला चरण एक तरीके से अकबर का यहाँ पे समाप्त हो गया पहुंचते हैं दूसरे चरण के पास पंद्रह से पंद्रह का दूसरा चरण 1555 से 1575 से पंद्रह का अकबर की धार्मिक नीति का दूसरा चरण आपके सामने आ गया तो एक तरीके से पहले चरण में आप लोगों ने देखा वही डीटीजे कोड बनाए रखना और शेख मुबारक से मुलाकात हुई किसकी अकबर से अबुल फजल से मुलाकात हुई किसकी अबुल अकबर से थीक? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं क्यों राठौर हम्म <clears> hmm. <throat> ध्यान दीजिए पुनः आगे बढ़ते हैं अकबर की रिलीजियस पॉलिसी का सेकंड स्टेप देखते हैं हम लोग अकबर की रिलीजियस पॉलिसी का सेकंड स्टेप हम लोग देखते हैं ठीक है अच्छा आप लोगों को कैसे लग गया भाई कि हमें नहीं YouTube की क्लास में मैं ब्रेक नहीं करता चाय नहीं पीता ऐप की क्लास में हाँ चाय हो जाती है थोड़ा आगे बढ़ते हैं समय है 1575 का। बड़े समझदार हैं आप लोग तो। बड़े समझदार हैं वास्तव में तो समझदारी तो बड़ी कूट कूट कर भरी हुई है आप लोगों में समय है किसका फिफ्टीन हंड्रेड फाइव का और ये अकबर की रिलीजियस पॉलिसी का द्वितीय चरण यहाँ से प्रारंभ हो जाता है द्वितीय चरण की प्रारंभिक बात जो है वो कहाँ से शुरू होती है पंद्रह से शुरू होती है स्थान वो कौन सा है जहां से ये द्वितीय चरण शुरू होता है तो फतेहपुर सीकरी से शुरू होता है अकबर आगरा से 34 मील की दूरी पर फतेहपुर सीकरी नामक राजधानी बनवाता है ठीक है कौन सी राजधानी बनवाता है फतेहपुर सीकरी नामक राजधानी बनवाता है और फतेहपुर सीकरी नामक राजधानी बनाने से पहले वहां पे एक किले का निर्माण करता है जिसका भी नाम फतेहपुर सीकरी और इसी किले के अंदर में कई स्मारक बनवाता है कई प्रशासनिक भवन बनवाता है इसी फतेहपुर सीकरी में अगर आप लोग देखेंगे तो एक इबादत खाने का निर्माण भी फतेहपुर सीकरी में ही अकबर ने करवाया कब करवाया पंद्रह में करवा दिया इबादत खाना क्या है एक धार्मिक स्थान एक धार्मिक इमारत मान के चलिए स्थान नहीं इसमें अकबर स्टार्टिंग इस में जो इस्लाम धर्म के प्रमुख आचार्य हैं उनको बुलाता था चाहे वो सूफी हो या उलेमा हो मौलवी हो इनको बुलाता था और इनसे पूछता था कि भाई इस्लाम धर्म में क्या क्या अच्छी बातें हैं जो जनता के लिए उपयोगी होंगी लाभदायक होंगी जो जनता के हितों की रक्षा करेंगी तो अकबर ने लगभग लगभग इस्लाम धर्म की उपयोगी और महत्वपूर्ण बातों को जान लिया कि आखिर क्या क्या अच्छी बातें हैं तो अकबर ने इस समय देखा तो ये पाया कि भाई इस्लाम धर्म में जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो तो ठीक है लेकिन भारत में और भी अन्य धर्म है जैसे जैन धर्म है बौद्ध धर्म है हिंदू धर्म है सिख है इसके अलावा एक तरीके से भारत में ईसाई धर्म भी आ चुका है भारत में ईसाई धर्म भी आ चुका है तो अकबर ने सोचा कि ये जो इबादत खाना है इसका आकार प्रकार बढ़ाया जाए और इसमें मुस्लिम धर्म के संतों के अलावा अन्य संतों को भी बुलाया जाए तो अकबर ने भारत में जो अन्य धर्म हैं या संप्रदाय हैं उससे उनसे संबंधित संतों को इस इवादत खाना में बुलवाया। तो सबसे पहले मुस्लिम धर्म और संप्रदाय के लिए इसको ओपन किया गया था 1575 में लेकिन अगर आप लोग देखोगे तो 1578 में इसको सभी धर्मों के लिए ओपन कर दिया गया इसमें अब सभी धर्मों के संत आने लगे जब सभी धर्मों के संत आने लगे तो अकबर अपना सिंहासन लगा के बैठता था और सभी धर्म के संतों से पूछ लेता था कि भाई तुम्हारे धर्म में क्या अच्छा है तुम्हारे में क्या अच्छा है तुम्हारे में क्या अच्छा है जरा बताओ हमें तो सब लोगों ने एक तरीके से अपने अपने धर्म की उपयोगी और महत्वपूर्ण बातों को बताया इधर अकबर को परेशान किसने किया था इधर अकबर को परेशान इनके राज्य में एक तरीके से उलेमाओं ने कुछ ज्यादा ही किया था जो धार्मिक प्रधान होते थे उलेमा कहीं ना कहीं हमेशा क्या करते थे कि अपने हिसाब से इस्लाम को परिभाषित करने का काम करते थे और वो संरक्षित हो जाता था सरियत के रूप में और अकबर से कहीं ना कहीं ये अपेक्षा करते थे ये उलेमा वर्ग के लोग कि भाई जो सरियत में है उसी के हिसाब से एक तरीके से शासन चलाया जाए तो इसमें अगर आप लोग देखोगे तो ये जो उलेमा है स्वार्थ बस ऐसा काम करते थे अकबर ये नहीं चाहता था अकबर जनता के हितों की रक्षा करना चाहता था अकबर अपने साम्राज्य में स्थिरता और पीसफुल लाना चाहता था शांति लाना चाहता था और विद्रोह की भावना को वो बिल्कुल स्वीकार नहीं करना चाहता था अकबर तो धार्मिक नीति में धर्म सहिष्णुता की बात करता है तो अकबर ने क्या किया कि जब उस सभी धर्मों के संतों से सबसे महत्वपूर्ण बातों को सीख लिया तो ये जो इस्लाम धर्म में जो प्रमुख धार्मिक लोग हैं चाहे वो उलेमा हो, चाहे वो काजी हो, इनको इनके पदों से हटा दिया अकबर पहुंच गया इस समय फतेहपुर सिकरी और फतेहपुर सिकरी की जो सबसे प्रसिद्ध मस्जिद है उस मस्जिद का नाम क्या है उस मस्जिद का नाम है जामी मस्जिद नाट जामा जामी मस्जिद है इसका नाम ठीक है जामी मस्जिद इसका नाम है जामी मस्जिद इसका नाम है और जामी मस्जिद के बिल्कुल शिखर पर चढ़ गया और शिखर पर चढ़ने के बाद में अकबर एक घोषणा पत्र को जारी करता है और इस घोषणा पत्र को इस महजर के नाम से जानते हैं किसके नाम से जानते हैं महजर के नाम से जानते हैं तो महजर घोषणा पत्र को अकबर ने कब किया ये देखिए इबादत खाने के बाद में महजर ही इसका परिणाम आता है इसका रिजल्ट आता है फिफ्टीन में फतेहपुर सिकरी में स्थित जामी मस्जिद पर चढ़ गया और यहां से अनाउंसमेंट कर दिया और इस अनाउंसमेंट से यह सिद्ध हो गया कि अब अकबर राजनीतिक प्रधान तो पहले था ही अब धार्मिक प्रधान भी हो गया अब उलेमा वगैरह धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे इसी को इतिहासकार स्मिथ ने क्या कहा अकबर का अचूक घोषणा पत्र कहा कैसा क्या कहा अचूक घोषणा पत्र कई इतिहासकारों ने इसकी आलोचना भी की है लेकिन इसके हिसाब से अकबर ने धर्म धा, धार्मिक नेता के पद को भी पा लिया अब धर्म के परिपेक्ष में एक तरीके से जो हस्तक्षेप करेगा वो राज्य भी करेगा कोई धार्मिक प्रधान हस्तक्षेप नहीं करेगा अब धर्म को एक तरीके से धार्मिक विषय को राजनीति से जोड़ दिया गया अभी तक अलग था अब धर्म को राजनीति से जोड़ दिया गया ठीक उलेमा का मामला यहां पर खत्म हो गया ये दूसरा चरण है तीसरे चरण में आप लोग आ जाइए तीसरा चरण शुरू होता है 1579 से अंतिम अंतिम समय समय का का वही चरण। अंतिम समय का यही चरण है ठीक इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो समय आपको दिखाई पड़ा ये वेरी इंपॉर्टेंट है 1580 से 1581 का इसमें अकबर ने तोहीद इलाही या दीन इलाही का एक नया विचार प्रस्तुत किया था क्या प्रस्तुत किया था तो इलाही या दीन इलाही का एक नया विचार प्रस्तुत किया इतिहासकार कहते हैं कि ये नया धर्म था जैसे अशोक ने एक नवीन धम्म को चलाया था तो वो धम्म था वो धर्म नहीं था तो विभिन्न धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को शामिल करके जैसे अशोक ने यह काम किया था वैसे अकबर ने यह काम कर दिया एक नया सिद्धांत ला दिया इसको दीन इलाही या तोहीद इलाही कहा गया इसका जो बेस है इसका जो आधार है वो सुलह एक कुल ही है ध्यान रखना जो आलोचना अकबर के दीन इलाही की करते हैं वो गलत करते हैं वो समझ नहीं पाते जब इसका बेस सुलह एक कुल होगा मतलब वो सुलह करना चाहता है सबके सब सबके साथ में सबके साथ में शांति के वातावरण में रहना चाहता है कुल का मतलब क्या होता है परिवार परिवार को आगे बढ़ाओगे तो चाहे राज्य की बात करो चाहे प्रांत की बात करो चाहे देश की बात करो तो बेस क्या है सुलह एक कुल है दीन इलाही वास्तव में कोई नया धर्म नहीं था अपितु वह एक ऐसी आचार संगीता थी जिसमें अकबर ने विभिन्न धर्मों के उपदेशों को संकलित कर लिया था कैसे उपदेशों को अच्छे अच्छे उपदेशों को ठीक इसका उद्देश्य क्या था अकबर का उद्देश्य यह था कि विभिन्न धर्मों के मध्य सद्भाव एवं सहिष्णुता को आपस में बढ़ाना था और सुल्तान के प्रति या शासक के प्रति सत्यनिष्ठा या स्वामी भक्ति की भावना को प्रबल बनाना था इसका मतलब यही था इसका मतलब यही था अब दीन इलाही से क्या इफेक्ट पड़ा अकबर के ऊपर सकारात्मक रूप से दीन इलाही से क्या इफेक्ट पड़ा अकबर राष्ट्रीय शासक के रूप में आ गया किसके रूप में आ गया नेशनल रूलर के रूप में आ गया अकबर ठीक है स्थापित हो गया जनता को उलेमाओं के अत्याचारों से मुक्त भी कर दिया ये भी खास बात है सांस्कृतिक समन्वय की बात की विभिन्न धर्म हैं लेकिन किसी में कोई हस्तक्षेप नहीं किया सभी को आपस में साथ लेके चलने की बात की नई परंपराओं का भी विकास हुआ इसका थोड़ा मूल्यांकन कीजिए अकबर की धार्मिक नीति निश्चित रूप से सफल थी क्योंकि वह अपनी इस नीति के माध्यम से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा जिस भी नीति को अकबर ने लागू किया क्या उसमें अकबर को सफलता नहीं मिली सफलता मिली कई बार ये होता है हम जिस पॉलिसी को अपने मन में अपनाते हैं व्यवहार में उसको लागू करते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलती सफलता नहीं मिलती देन फेल हो गई अगर सफलता मिल जाती है देन वो नीति क्या हो गई पास हो गई तो इसमें सफलता मिली इसके बाद में अकबर की धार्मिक नीति का मूल्यांकन साम्राज्य के समक्ष उत्पन्न राजनीतिक समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में भी किया जाना चाहिए इसमें अगर आप लोग देखेंगे कि दीन इलाही अकबर के समय में अधिक लोकप्रिय नहीं हो सका यह बात सही है दीन इलाही उतना ज्यादा प्रसिद्ध थोड़ा ना हुआ भले ही दीन इलाही के विचार को अकबर ने प्रस्तुत किया लेकिन वो पूरे भारत में फैल नहीं सका क्योंकि आगे आने वाले शासक अगर उसका प्रचार प्रसार करते तो मामला ठीक होता जैसे अशोक के बाद में भी किसी ने एक तरीके से अशोक के धर्म का उतना ज्यादा प्रचार प्रसार किया ही नहीं और शासक ही अयोग्य है तो जहांगीर ने इसे त्याग दिया था जिसके कारण अब यहां पर जहांगीर ने इसको त्याग दिया जहांगीर ने त्याग दिया तो इतिहासकारों को आलोचना करने का मौका मिल गया इतिहासकारों ने कहा कि भाई ये जो दीन इलाही थी अव्यवहारिक थी ये व्यवहारिक थी ही नहीं इसीलिए तो जहांगीर ने इसे लागू नहीं किया ये बात है और दीन इलाही को अकबर की मूर्खता का स्मारक भी बता दिया लोगों ने दीन इलाही को अकबर की मूर्खता का स्मारक भी बता दिया ये आपको क्वेश्चन किसमें मिलेगा ये आपको प्रश्न मिलेगा उसमें आ, इतिहास ऑप्शनल में अब आगे देखिए दीन इलाही अकबर की समग्र धार्मिक नीति को दर्शाता नहीं दर्शाता उसकी धार्मिक नीति का आधार तो सुल था कहा गया कि जो दीन इलाही है वो एक सीमित सिद्धांत है अकबर का अब देखो जैसे कहेंगे इतिहासकार की धार्मिक नीति अकबर की मूर्खता का स्मारक है तो वो एक संकुचित रूप से आलोचना कर रहे हैं उसको भी आप लोग एक एक तरीके से कहीं ना कहीं उस उसमें भी एक पॉजिटिविटी आप लोग ला सकते हैं एक सकारात्मकता ला सकते हैं कैसे धार्मिक नीति जो रिलीजियस पॉलिसी अकबर की थी उसमें दीन इलाही तो सीमित थी जो मुख्य धार्मिक नीति थी अकबर की जो भी नीति थी उसका बेस उसका हृदय उसका दिल उसकी आत्मा तो सुलह एक कुल था और सुलह एक कुल में कोई गड़बड़ी नहीं थी सुलह एक कुल में कोई नकारात्मकता थी नहीं ये देखिए जिसका प्रभाव अत्यंत व्यापक था अकबर की धार्मिक नीति के महत्व को तत्कालीन यूरोप में ये देखिए यूरोप में अगर आप लोग देखेंगे तो ये ईसाइयों के बीच में प्रोटेस्टाइन और कैथोलिक संप्रदायों के मध्य संघर्षपूर्ण स्थितियों के संदर्भ में देखा जा सकता है यहाँ पे ये दोनों लोग लड़ रहे हैं लेकिन अकबर सांस्कृतिक समन्वय कायम करता है तो आलोचना नहीं बल्कि क्या करना चाहिए प्रशंसा करना चाहिए इस प्रकार अकबर अपने समय से आगे निकल गया वह एक नए युग का अग्रदूत था इसीलिए उसे महान शासक कहा जाता है एक नए युग का क्या है अग्रदूत है इसीलिए अकबर को महान कहा जाता है क्या कहा जाता है अकबर को महान कहा जाता है ध्यान रखिएगा आप सभी लोग अकबर को महान कहा जाता है अकबर को क्या कहा जाता है ग्रेट कहा जाता है अकबर को महान कहा जाता है बस अच्छा और पढ़ेंगे चलिए पढ़िए आगे बढ़ते हैं थोड़ा पंकज अच्छा घर तो नहीं जाना आप सभी लोगों को घर तो नहीं जाना अभी पढ़ाई करना है हुँ? घर जाना है भूख लग गई अच्छा शाम का नाश्ता का वक्त आ गया ओहो कुछ ज़्यादा ही भूख लग गई आप लोगों को तो हुँ? है ना ओके ओके सेशन को लाइक like भी कर लीजिए भाई सभी लोग सेशन को लाइक like भी कर लीजिए जितने भी लोग क्लास में शामिल हैं जितने भी लोग क्लास में शामिल हैं लाइक कर लीजिए हाँ वर्तमान में आप लोगों के सामने फ़ीस में छूट का ऑफ़र है और एक्स्ट्रा एक्सटेंशन का भी ऑफर है ग्यारह तारीख तक आप लोगों के बीच में हमारा रेफरल कोड आपके सामने है प्रयोग कीजिए और एडमिशन लीजिए इसका आप सभी लोग अगर कोई दिक्कत आती है तो सीधे मुझसे बात भी कर सकते हैं कॉम्बैट टेस्ट हो रहा है आठ मई को इसमें भागीदारी कीजिए आप सभी लोग और आज की मुलाकात यहीं तक आप लोग कह रहे हैं कि आज यहीं पे छोड़ा जाए कल भी क्लास होगी परसों भी क्लास होगी ठीक परसों जो संडे की क्लास होगी उसमें हमारी स्पेशल क्लास होगी आप सभी लोगों के लिए परसों चार बजे हम लोग बौद्ध धर्म का कंप्लीट इतिहास, इतिहास पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म का कंप्लीट इतिहास पढ़ने वाले हैं तो मध्यकालीन भारत तो लगभग लगभग समाप्त हो जाएगा चार पाँच दिन में अब इसमें ज्यादा क्लास नहीं बची है अकबर के बाद में जहांगीर शाहजहां औरंगजेब यही है और लगभग सांस्कृतिक नीतियों को भी हम लोगों ने पढ़ लिया है सूफी को पढ़ लिया है चित्रकला को पढ़ लिया है स्थापत्य कौड़ा को पढ़ लिया है तो बहुत ज्यादा इसमें बचा नहीं है तो हमारा इरादा यह है कि इतिहास के जो मुख्य मुख्य टॉपिक हैं वो एग्जाम से पहले आप लोगों के बीच में कवर हो जाए ठीक तो संडे को हम लोग चार बजे से बौद्ध धर्मों के इतिहास को पढ़ेंगे और संडे को ही दस बजे से कला एवं संस्कृति की क्लास लगी हुई है एक ठीक तो उसमें भी तैयार रहिएगा अब हमारी जो आज क्लास होगी वो नौ बजे ऐप पर होगी ठीक इंडियन जोग्राफी को हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें और सवा ग्यारह बजे क्लास होगी ठीक दो क्लास ऐप पर आपको मिलेगी ठीक है ओके बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया वाकई बहुत अच्छे हैं आप लोग हुँ? रंजेश है ना ओके ओके बाय बाय सभी को ध्यान रखना आप लोग अपना ठीक गर्मी का समय है बच के रहना किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है बाबू लोग किसी का कोई प्रश्न हम्म mm? ओके okay, ओके okay. कोई प्रश्न नहीं है तो ठीक है ओके फाइनली बाय बाय ध्यान रखना आप लोग